Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about Qt MCQ for Computer Science and Informatics Practices, as you can see in your screen. ये basically मेरे 1000 MCQ की सीरीज है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. इसके पहले ऑलरेडी मैंने पाइथन सीरीज पे, पाइथन डेटा फ्रेम पे, पाई प्लॉट पे बहुत सारे MCQs पहले से बनाए रखे हैं. उन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो Qt का भी आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को अगर आपने लिया है, बेसिकली ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. एक आपका सेक्शन ए है जो दोनों के लिए कॉमन है, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए. और जो दूसरा सेक्शन है वो अगेन B1 और B2 में डिवाइडेड है, जिसमें B1 जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है और B2 जो है वो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है. बाकी जितनी जानकारी आपको चाहिए, जितने भी नोट्स चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं www.techtipnow.in पे, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी. सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं. आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन ए, दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग. द फर्स्ट यू कैन सी हियर इट इज आस्किंग दैट इट इज अ टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस्ड इन पाइथन प्रोग्राम्स. Compile time error, runtime error, both A and B, none of these. Well, we all know that कि जब हम error की बात करते हैं तो Python में या किसी भी programming language में तीन तरीके से errors produce होते हैं. एक तो syntax error, दूसरा जिसे हम जानते हैं runtime error, और runtime error में logical error भी होता है. तो logical error और runtime error दोनों ही runtime में consider किए जाते हैं. Syntax error जो होता है वो compile time error होता है. इस question का जो सही answer होगा that will be your both A and B. Now the next question is, on encountering a dash error, the interpreter does not execute the program unless we rectify errors, save and rerun the program. Now this question is actually asking about कि जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करने नहीं देता है जब तक कि आप उस एरर को ठीक नहीं कर देते हैं. उसके बाद आप उसे सेव करके दोबारा रन नहीं करते. We all know that कि it is actually talking about your compile time error, और compile time error को हम सिंटेक्स एरर के नाम से भी जानते हैं. सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर सिंटेक्स एरर. द रीजन इज व्हाट, सपोज आपने प्रिंट लिखा और उसके बाद आप ब्रैकेट भूल गए और आपने यहाँ पे टाइप कर दिया संजय, तो डेफिनेटली जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पाइथन बोलेगा कि दैट स्टेटमेंट्स आई मीन द ब्रैकेट्स आर मिसिंग. सो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका सिंटेक्स एरर हुआ. सो द करेक्ट आंसर इज योर सिंटेक्स एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट लुक एट दी फॉलोइंग कोड एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर शोन वाई एग्जीक्यूटिंग इट. नाउ ये एक कोड है जहां पे लिखा है x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, देन उसके बाद इसका हमने स्क्वायर निकाला जिसे हमने r में स्टोर किया, एंड इसके बाद में यहां पर ये बोलता है प्रिंट देन स्क्वायर इक्वल टू r. तो ये वही बात हो गई जो मैं यहां पर कर रहा था कि आप ध्यान से देखें तो यहां पर ब्रैकेट जो है वो मिसिंग है. इसका मतलब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको जो मैसेज फ्लैश करेगा या जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा दैट विल शो यू मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट डैश इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर. मतलब पाइथन में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी एरर का रिप्रेजेंट करता है. सो ऑब्वियसली हम जानते हैं, हमने जब एक्सेप्शन हैंडलिंग का लेक्चर देखा तो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी एरर को डिफाइन कर देते हैं इट बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शन. और पाइथन में एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट्स पहले से अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप उन एरर्स को हैंडल करने का काम करते हैं, सो दैट प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो कहीं से भी इंटरप्ट ना हो. सो द करेक्ट आंसर इज योर एक्सेप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन. जनरली ऑल एक्सेप्शंस आर जनरेटेड व्हेन अ प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट. मतलब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ज्यादातर जो भी एक्सेप्शंस होते हैं वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारा प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई सिंटेक्स एरर नहीं होता है. एंड द सेकेंड इज आस्किंग अबाउट द सिंटेक्स एरर इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन. मतलब सिंटेक्स एरर जो होता है उसे एक्सेप्शन में कंसिडर नहीं किया जाता. तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक्सेप्शन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये तभी रेज होते हैं जब आपका प्रोग्राम में किसी रन करते समय उसमें किसी भी प्रकार का एरर आता है. जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया, आपने दो नंबर डाले, एक्स में डाला 5 और वाई में डाल दिया 0, तो ऑब्वियसली 5/0 अगर आप करेंगे तो ये एरर शो करेगा. इसका मतलब ये रन टाइम एरर हुआ और इस रन टाइम एरर के दौरान जो है आपका पाइथन एक्सेप्शन थ्रो करता है. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. जहां तक बात है इसके सिंटैक्स एरर की,
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंटेक्स एरर भी पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। सपोज आप अपने पाइथन के किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, आइए मैं पाइथन के शेल पे चलता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज माई पाइथन शेल, और मैंने यहाँ पर इस कोड में एंटर ए कैरेक्टर के बाद ब्रैकेट नहीं डाला है। अब सपोज अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ, देन यू कैन नोटिस दैट इट इज शोइंग अस इनवैलिड सिंटेक्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस इज कमिंग एक्चुअली, तो ये कहीं ना कहीं पाइथन ने इस सिंटेक्स एरर का एक्सेप्शन को रेज किया और उसके अंदर जो हैंडलर था उसने मैसेज शो किया कि ये एक इनवैलिड सिंटेक्स। नाउ एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाइथन में ऑलरेडी ये जो सिंटेक्स एरर है इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन एज आई सेड, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सो वी कैन से इट इज फॉल्स एक्चुअली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एन एक्सेप्शन इज सेट टू हैव बीन डैश्ड। सो अभी आपने देखा होगा जब भी मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था तो मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि एक्सेप्शन जो होता है वो रेज होता है। सो करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट इज ऑप्शन डी, दैट इज रेज, बिकॉज क्रिएट नहीं होता है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एसर्टेड भी नहीं होता है बिकॉज एसर्टेड इज समथिंग एल्स, देन ट्रिगर भी यहाँ पे नहीं होता है। हम इन जनरल लैंग्वेजेस में इन वर्ड को यूज कर सकते हैं ट्रिगर वगैरह को, बट लिटरली जब आप पाइथन पे होते हैं तो वी शुड ऑलवेज से दैट एक्सेप्शन इज रेज्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट-इन एक्सेप्शन इन पाइथन, मतलब ये जितने भी यहाँ पे एक्सेप्शंस के नाम दिए हैं इनमें कौन सा बिल्ट-इन एक्सेप्शन नहीं है। अभी हमने देखा सिंटेक्स एरर ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है, वैल्यू एरर अगेन एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज जब आप सपोज किसी आप इंटीजर वेरिएबल में स्ट्रिंग डालते हैं तो ये वाला एक्सेप्शन आई मीन वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट होता है। जीरो डिवीजन एरर को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज विद दिस एक्सपोर्ट एरर, एक्सपोर्ट एरर के नाम से कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, या वी कैन से इंपोर्ट एरर के नाम से एक्चुअली हमारे पास एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन, मतलब आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया एंड सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया एंड देयर यू आर ट्राइंग टू ओपन ए फाइल से फॉर एग्जाम्पल sanjay.txt एंड सपोज दैट कि ये फाइल हमारी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या करेंट ड्राइव में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा एरर जनरेट होगा? सो ऑब्वियसली दैट विल बी योर IO एरर। वेल नेम एरर का मतलब होता है जब आप किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते हैं और उसे यूज करते हैं। इंपोर्ट एरर मॉड्यूल के केस में जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं उस समय रेज होता है अगर वो सही तरीके से इंपोर्ट ना हो। और एंड ऑफ फाइल का जो एरर है वो बेसिकली तब एग्जीक्यूट होता है कि जब आप फाइल के एंड पोजिशन पे पहुंच जाते हैं बिना किसी डेटा को रीड किए हुए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली योर IO एरर। Move to the next question. Now here it is asking that it is raised when local or global variable is not defined. So as I said कि जब आप अपने Python program में directly किसी variable को use करते हैं, चाहे वो local हो या global हो, और अगर system के पास उसकी information नहीं है कि वो define हुआ है कि नहीं हुआ है, so that time always name error is produced or you can say what raised. So the correct answer is option A. Move to the next question. Now here it is asking that it is raised when the denominator in division is not formed. So this clearly you can say is zero division error. I directly go to the next question now. Here it is asking that when you accept string instead of integer value, dash is raised. So as I said, ki suppose aapne yahan par ek variable liya aur maine yahan pe statement likha hai int and then input and yahan pe aapne dal diya enter a number. एंड इसके बाद में यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें और एक्स में अगर आप डालते हैं से हेलो, सो दिस विल प्रोड्यूस एक्चुअली योर वैल्यू एरर, रिमेंबर दिस ऑलवेज। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हियर इट इज आस्किंग दैट इट इज रेज्ड व्हेन यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो कई दफा जैसे आप कोई डेटा इनपुट कर रहे होते हैं, जैसे आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुआ और आपको ये मैसेज आया एंटर ए नंबर और आपने 12 डाला और उसके साथ में आपने डिलीट की को भी प्रेस कर दिया, सो दैट टाइम ऑलवेज कीबोर्ड इंटरप्ट एरर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हियर इट इज सेइंग दैट इट इज रेज्ड व्हेन रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। सो जब आप किसी मॉड्यूल को से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट, इसके बाद में मैंने पांडास की स्पेलिंग पांडा कर दी एंड इसके बाद में अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो चूंकि ये एक्चुअली पांडास होता है
और मैंने यहाँ पे पैंडा लिख दिया। इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल शो यू व्हाट इंपोर्ट एरर। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम नेम एरर की बात करते हैं तो इट इज अबाउट योर वेरिएबल्स, जो वेरिएबल डिफाइन नहीं होता। इंपोर्ट एरर की बात हम तब करते हैं जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे होते हैं और वो सही तरीके से इंपोर्ट ना हो। और टाइप एरर बेसिकली रिलेटेड जो होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, इट इज रिलेटेड विद द ऑपरेटर, मीन्स किसी वैल्यू के साथ उसका सही ऑपरेटर आप प्रोड्यूस ना करें, आई मीन इनपुट ना करें, तो टाइप एरर जनरेट होता है। इंडेंटेशन, अगेन यू ऑल नो दैट कि जब आप इफ लिखते हैं एक्सिस ग्रेटर देन वाई कॉलन, तो हमेशा जो अगला स्टेटमेंट होता है इट शुड ऑलवेज बी इंडेंटेड तकरीबन हाफ इंच का। तो अगर ये इंडेंट सही तरीके से नहीं होगा सो इट शोज यू इंडेंटेशन एरर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी योर इंपोर्ट एरर। आई थिंक आपको ये बाकी एरर्स भी क्लियर हो रहे होंगे। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट इट इज रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन इन द प्रोग्राम। तो एज आई सेड अभी कि ये होगा ऑप्शन ए। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ न्यूमेरिक डेटा। वेल, आपने किसी इंटीजर को डाला और उसकी जो रेंज है, से फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 to the power 8, एंड इस रेंज को अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो उस समय जो एरर प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज योर ओवरफ्लो एरर। हो सकता है ये एक्सप्रेशन मेरा सही ना हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। नाउ सी, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके प्रोग्राम में सपोज एक्सेप्शन रेज होता है और उसके बाद इमीडिएटली पाइथन क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इसको रन टाइम सिस्टम को हैंड ओवर करता है ताकि रन टाइम सिस्टम जो है इसके एक्सेप्शन हैंडलर को खोजे और उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसे वो एग्जीक्यूट कर सके। सो इस पूरे प्रोसेस को क्रिएट करना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से लेकर रन टाइम सिस्टम तक उसे हैंड ओवर करना इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट यू थ्रोइंग एक्सेप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर्चिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैन हैंडल द रेज्ड एक्सेप्शन। सो एज आई सेड कि पहले आपका एक्सेप्शन थ्रो हुआ, एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, पहले एक्सेप्शन रेज होगा, देन उसके बाद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रन टाइम सिस्टम को वो हैंड ओवर होगा, उसके बाद रन टाइम सिस्टम क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलर को खोजता है और उसके बाद वो उसके अंदर लिखे हुए कोड को अगर एक्सेप्शन हैंडल मिल जाता है तो उसे एग्जीक्यूट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैशिंग एक्सेप्शन। ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट को दैट कैशिंग एक्सेप्शन इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलर को यू नो एग्जीक्यूट करवाना, उसके अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करवाना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। हियर इट इज सेइंग दैट एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी कॉट व्हेन एरर एनकाउंटर एंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर, कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड, नन ऑफ दिस। ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन को हम तब बोलते हैं कि वो कॉट हो गया जब अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट होता है और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो होता है थ्रो एक्सेप्शन का पार्ट होता है, देन रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर, बोथ आर एक्चुअली यू नो द पार्ट ऑफ थ्रोइंग, जैसा अभी हमने देखा। सो ये दोनों नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कि जब एक्सेप्शन हैंडलर को के अंदर का जो कोड होता है उसे रन टाइम सिस्टम एग्जीक्यूट करता है ताकि प्रोग्राम का फ्लो जो है वो ब्रेक ना हो। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन इज सेट टू बी कॉट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस करेक्टली। तो अभी जितनी भी मैंने बातें की, थ्रो करना एक्सेप्शन को, उसे कैच करना, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि इसका जो सही सिक्वेंस है। मैंने कई दफा आपसे बोला कि जब आपके किसी प्रोग्राम में एरर जनरेट होता है तो सबसे पहले एक्सेप्शन रेज होगा, उसके बाद में वो सबसे पहले एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, तो ये सही है, देन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद में ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो रन टाइम सिस्टम के पास चले जाता है और रन टाइम सिस्टम जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करता है और सर्च करने के बाद अगर वो हैंडलर मिल जाए तो उसके अंदर लिखे हुए कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। Let's move to the next question. Now, here it is asking that exceptions are caught in try block, except block, finally or else block. So without any doubt, it is always try block. आपने कोई प्रोग्राम बनाया और आपको डाउट है कि किसी पर्टिकुलर कोड में एरर आ सकता है तो उसे हम हमेशा try block के अंदर लिखते हैं। So the correct answer is your try block. अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। Here it is asking that
एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड इन। तो एज आई सेड कि आपने लिखा ट्राई, ट्राई के अंदर सपोज आपको ये लगा कि इफ यू ट्राई टू डिवाइड दिस एक्स अपॉन वाई तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, तो इसे हैंडल करने के लिए वी टेक दिस एक्सेप्ट ब्लॉक और इसके साथ में हमें मेंशन करना होता है उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम। सो से फॉर एग्जांपल इट इज जीरो डिवीजन एरर एंड इसे कोलन लगा के फिर यहां पर आप कोड डालते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया प्रिंट, यू कैन से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ट्राई में आपने एरर को पकड़ा और उसके बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक में उसको आपने हैंडल किया। सो द आंसर इज योर एक्सेप्ट ब्लॉक। इसके बाद में ये बोलता है कि द स्टेटमेंट रिटन इनसाइड डैश ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज ऑकर्ड और नॉट। तो ट्राई में आपने एक्सेप्शन को पकड़ा, जो एरोनियस कोड होता है उसे हम ट्राई में डालते हैं, एक्सेप्शन जो रेज होगा उसका हैंडल करने का जो कोड है ये एक्सेप्ट में होता है। देन फाइनली जो ब्लॉक होता है वो बेसिकली भले एक्सेप्शन रेज हो या ना हो वो एग्जीक्यूट होता ही होता है और वो हमेशा हम एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि else ब्लॉक का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो else इज सिमिलर टू यू नो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, कि आपने मल्टीपल इफ लगाया और कोई भी इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो else पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो आपका ट्राई में एक्सेप्शन जब रेज होता है और कोई एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो तो जो भी स्टेटमेंट आप else में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर फाइनली स्टेटमेंट फॉर दिस, क्योंकि एक्सेप्शन रेज हो या ना हो फाइनली के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो काफी पॉइंट्स तो मैंने फिलहाल इन पहले के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया, लेट्स सी क्या क्या ऑप्शन है। एवरी ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाई एटलीस्ट एन एक्सेप्ट ब्लॉक, मतलब कोई भी ट्राई ब्लॉक होगा उसके बाद एक एक्सेप्ट ब्लॉक होना बिल्कुल जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। A try block can be followed by more than one except block, ये भी बिल्कुल सही है कि आपने एक try लगाया और आपको ये लगता है कि भाई ये जो कोड है इसमें दो तरीके के errors आने की संभावना है, तो आप दो except block यहाँ पे लगा सकते हैं या उससे भी ज्यादा भी आप यहाँ पे use कर सकते हैं। तो एक try block में एक से ज्यादा except block हो सकते हैं। The third is saying that the statement inside the except block is always executed regardless of whether exception has occurred in try block or not. तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा गलत होगा, क्योंकि ये फाइनली ब्लॉक के साथ लागू होता है। अगला जो ऑप्शन है दैट एन एक्सेप्ट क्लॉज कैन बी एडेड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन। सो अगेन इट इज रॉन्ग एक्चुअली, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। इट शुड बी एक्चुअली मिसप्रिंट, इट शुड बी कैन नॉट बी। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जैसे आपने यहाँ पे एक्सेप्ट में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, अगर आप सीधे यहाँ पर केवल एक्सेप्ट लिख देते और कोलन लगा के यहाँ पर मैसेज दे देते जो भी कोड हैंडल करना है आपको, जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब आपका कोई ट्राई ब्लॉक का कोड एरर प्रोड्यूस करे, तो ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली पाइथन जो भी करेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है उसको रेज करता है सर्च करके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। So the first statement is saying that the statement inside else block is executed regardless of whether their except block is executed or not. So ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा अभी मैंने आपसे कहा, आपने try block लगाया उसके बाद आपने except block लगाया। Let's suppose मैं यहाँ पर दो except block ले लेता हूँ and इसके बाद में यहाँ पर आप else लेते हैं और उसके बाद में आप finally लेते हैं। तो अगर try में error produce हुआ तो ये except block से check कर, लेट सपोज कि सही टाइप ऑफ एक्सेप्शन इनको नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो ये एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनली को ये एग्जीक्यूट करेगा भले ही एरर आए या ना आए, तो फाइनली के बाद तो ये बिल्कुल सही है। एल्स के केस में क्या होता है कि सपोज आपके ट्राई ब्लॉक में एरर जनरेट होता है और उससे रिलेटेड एक्सेप्ट ब्लॉक को ये चेक करता है, उसका हैंडल उसे सही तरीके से नहीं मिलता है, फिर दूसरे को ये चेक करता है वहां पर उसको हैंडल सही तरीके से मिल जाता है, ऐसी सिचुएशन में फिर जो एल्स पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब एक्सेप्शन जब रेज होगा तभी ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है और ज्यादातर एल्स पार्ट में हम रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ द सेकंड इज सेइंग दैट इफ एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड further execution of the code inside the try block is stopped
एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्ट ब्लॉक। ये बिल्कुल सही बात है कि आपने ट्राई ब्लॉक लिखा और यहाँ पर आपने कोड लिखा एक्स अपॉन वाई एंड इसके बाद में आपने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया। सपोज दैट यहाँ पर ये एरर प्रोड्यूस करता है और एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। अब प्रिंट में सपोज ये है आर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और प्रिंट के अंदर मैंने जाके लिख दिया आर एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सेप्ट ब्लॉक और एक्सेप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कोड लिखा कि अगर ये एरर जनरेट करेगा तो डिविजन नॉट पॉसिबल का मैसेज शो करेगा। अब होगा क्या कि सपोज ये एरर प्रोड्यूस करता है कोड तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसमें एरर आएगा तो ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में और उस दौरान ये जो कोड है इसके आगे के जितने भी कोड होते हैं वो टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द फर्स्ट इज फॉल्स एंड द सेकंड इज व्हाट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन नॉट ट्रू। सो कोड दैट माइट कॉज एक्सेप्शन इज पुट इनसाइड ट्राई ब्लॉक बिल्कुल सही है। ये मैंने डिफरेंट यू नो कॉम्बिनेशन बना दिए हैं आपके लिए ताकि किसी भी तरह से आप किसी क्वेश्चन को मिस ना कर सकें एंड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में रहें। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट एन एक्सेप्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ सम एक्सेप्शन इज रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक। सो ऑब्वियसली एक्सेप्ट ब्लॉक तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन रेज होगा ट्राई ब्लॉक में। सो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। Now finally block can be placed anywhere after the end of try block such as before or after all except and else blocks. It is absolutely wrong because suppose aapka try block hai. Iske niche agar aapne koi bhi except block nahi dala in that situation you can use what you find it. But suppose that aapka try hai aur uske baad yahan par except it doesn't mean ya iske niche yahan pe else bhi hai. To aap agar koshish kare yahan par finally ko dalne ki ya is position pe finally ko dalne ki तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट इज नॉट करेक्ट वे टू हैंडल द कोड सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सो इट इज नॉट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट इफ एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक इज स्टॉप्ड एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्ट ब्लॉक। सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज वी डिस्कस जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट द डैश इज एन एक्सेप्शन हैंडलर। सो ऑब्वियसली ट्राई जो होता है यहाँ पे कैच करते हैं थ्रो करते हैं, इसमें हम एरर को ट्रैप करते हैं जिस कोड में एरर प्रोड्यूस होगा उसे रखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलर का मतलब ये होता है कि जब एक्सेप्शन रेज हो और उससे रिलेटेड जो कोड एग्जीक्यूट होता है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब ना करे वो हमेशा हम एक्सेप्ट ब्लॉक में रखते हैं। तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलर। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द कीवर्ड यूज्ड विद द एक्सेप्शन हैंडलिंग आर that we all know now that try, except, else and finally these are the keywords we use. So this is option number C. Rest all are wrong. And इसके बाद में which of the following keyword is not part of exception handling? So as I said, try is there, except is there, finally is there, catch is not there. It is basically you can say kind of noun we use जब except block के अंदर का code execute होता है. So the correct answer of this question is option number D. Next question is asking that if the execution is not handled by any of the except clause, then it is re-raised after the execution of the finally block. So this is the right thing. That we have put try block, except block, and we have finally also put. Now what happens is that you have put try in some code, there is an error. Except block does not handle it. Finally, it doesn't mean that एरर आने पर उसका सही कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है। फाइनली का मतलब ये रहता है कि जो मेरे अंदर डालोगे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। बट इससे पाइथन का वर्क पूरा नहीं होता है, रन टाइम सिस्टम का वर्क पूरा नहीं होता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे एक्सेप्ट ब्लॉक फुलफिल ना कर सके या एक्सेप्शन को सही तरीके से हैंडल ना कर सके तो वापस फाइनली ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है और रीरेज हो जाता है एग्जीक्यूशन और पाइथन अपनी ओर से या रन टाइम अपनी ओर से उसे हैंडल करने की कोशिश करता है। फाइनली ब्लॉक का जो बेसिक पर्पज होता है वो ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्पेशली जैसे फाइल को आपने इम्पोर्ट किया अपने सॉरी ओपन किया हुआ अपने प्रोग्राम में तो अगर एक्सेप्शन आएगा तो वो ओपन हो जाएगी तो उसके डेटा की जो सिक्योरिटी की वॉल है वो क्रैक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा हम फाइनली के अंदर उसे क्लोज करते हैं ताकि एक्सेप्शन हो या ना हो फाइल हमेशा आपकी क्लोज हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज ऑलवेज ट्रू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज व्हाट। It maintains normal flow of the program. Absolutely right. It avoids the program getting crashed. That is again correct. Separate main logic of the program from error detection and correction code. Absolutely correct. कि आप try में क्या करते हैं, जिसमें error आएगा code उसे separate कर देते हैं और except block में उसे handle करने का code आप लिखते हैं. So all these are correct.
So I mark this option B. Move to the next question. Here it is asking that advantage of using exception handling in Python is what? So like I said, यहाँ पर ये मैंने in general लिखा, थोड़ा सा इसे technical form में मैंने बोला कि अगर आपका program जो है किसी error की वजह से abnormally terminate हो जाए, तो उससे बचाने के लिए हम exception handling करते हैं. बिल्कुल सही है. And it provides standardized, you know, the solution for commonly occurring errors. So as I said in the beginning, कि exception का मतलब ही होता है defined error. Now, किस तरह का एरर प्रोड्यूस हुआ और उसे किस तरीके से हैंडल करना. सपोज वैल्यू एरर आ रहा है जहां पर आपने इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसको टैकल करना भी आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड सही कोड आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए. या से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फाइल को इम्पोर्ट किया, मॉड्यूल को आपने इम्पोर्ट किया और वो इम्पोर्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दें और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए. आप उसे हैंडल करने के लिए भी एक सही कोड लिखो. सो ऑल दीज आर करेक्ट. सो वी कैन से बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन. Move to the next question. Here it is saying that what will happen if finally an except block are not positioned properly. So as I said ki program will directly, you know, raise error during compilation, so program compile hi nahi hoga. Agla question hai, each try block must always be followed by at least one block that is either except or finally. So as I said in the some of the previous question that ki aap try lagate hain, agar aapne except dala hai to iske upar aap finally nahi dalenge. लेकिन अगर आपने ट्राई डाला और एक्सेप्ट नहीं है तो आप फाइनली भी ले सकते हैं. तो उस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही है आपका जो कथन है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट द डैश ब्लॉक इज जनरली यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद फाइल्स क्लीन अप मेमोरी रिसोर्सेज. इट इज ऑल अबाउट फाइनली. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया. कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412. यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में क्या है. हमने यहाँ पे अभी कई दफा बताया कि आपने यहाँ पे बोल दिया इनपुट करो एक नंबर, एक्सेप्ट ब्लॉक लिया, इसे हमने ट्राई में डाल दिया. यहाँ पे हमने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप देखिए कि यहाँ पे मैसेज क्या लिखा है. तो यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि भाई आप नंबर डालिए, इसका मतलब आप यहाँ पे नंबर सही तरीके से नहीं डाल रहे, इसका मतलब ये वैल्यू एरर होगा. आगे बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट लुक एट द गिवन कोड, अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक. अब यहाँ पे तो ये डिविजन एरर है, यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है डिविजन नॉट पॉसिबल. तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहला तो होगा डिवीजन नॉट पॉसिबल, तो ये दोनों तो होंगे. नाउ यहाँ पर ये बोलता है कि इसके बाद में हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया क्वेश्चन इक्वल टू क्यू. नाउ इसके बाद में हमने यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया कि क्वेश्चन इक्वल टू क्यू, भले ये एक्सेप्शन रेज हो और ये एग्जीक्यूट ना हो. तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे हम लेते हैं एल्स. करेक्ट आंसर होगा जीरो डिवीजन एरर कॉमा एल्स, दिस इज द करेक्ट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Here it is saying that Rajesh has written following line of code to import Python Finder library, but he is getting error while executing. Help him in handling and correcting given code. ये import panda SPD आपने कर दिया. देखिए आपने यहाँ पे सीधे सीधे mistake की कि pandas आपने नहीं ली. तो ये क्या है, import error है. तो आप सीधे देखिए यहाँ पर import error ये है, तो इसका जो correct answer होगा option B होगा. आप बाकी को भी check कर सकते हैं. चूंकि हमने पहले इसे discuss कर लिया कई मरतबा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिटेल में फिर से कंसीडर नहीं किया है. सो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल बी थ्रोन बाय गिवन कोड. यहाँ पे एक लिस्ट है, तीन इसमें एलिमेंट्स हैं और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं फोर्थ एलिमेंट को. तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग इंडेक्स आपने लिया है, सो इंडेक्स एरर प्रोड्यूस होगा. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द गिवन कोड एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे ट्राई लिया, यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे बोल रहा है प्लीज चेक वाई इज नॉट डिफाइंड. आपने वाई को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया. तो जब आप किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इट इज कंसीडर्ड एज नेम एरर, तो यू शुड टेक हियर व्हाट इज नेम एरर. मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन में. एंड हियर इट इज सेइंग दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर दिस सेक्शन ए क्यूट प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बोर्ड इज consider the following code and select the type of error it will generate. Print exception handling program. X लिया, mod 2 लगाया. Now print even number, else डाला print odd number. You can notice that कि हमने यहाँ पे print को indent सही तरीके से नहीं किया. It should be, you know, aligned with this else वाला print statement के साथ. It should be half inch inside this if block. So we can simply say that it's a syntax error ideally. क्योंकि Python में क्या होता है, अगर आप सही तरीके से इंडेंट नहीं करते हैं तो वो उसको रन टाइम पे अलाउ नहीं करता है, उसको आपको वो कंपाइल टाइम पे ही करेक्ट करने के लिए बोलता है. तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे. हालांकि इसके लिए जो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है दैट वी गॉट टू नो
वॉज इंडेंटेशन एरर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर एरर के प्रोड्यूस में होता तो ये लिखते, और चूंकि एरर की बात थी तो इट इज ऑलवेज सिंटैक्स एरर। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट यू नो द चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर फाइल हैंडलिंग। चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाइल हैंडलिंग इज डैश इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड। सो ऑब्वियसली हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो ये फाइल से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। फोल्डर जो होता है इट्स बेसिकली वी कैन से काइंड ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम फाइल को रखते हैं। ड्राइव इज हार्डवेयर डिवाइस वी ऑल नो, एंड मेमोरी जो है इट्स अ काइंड ऑफ नाइन जो हम ड्राइव के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर फाइल। Go to the next question. Here it is asking that which of the following is data file. Well, we all know that there are two types of data file. One is text file and second is what, binary file. So the correct answer is your option number C, that both A and B. Move to the next question. Now there are two statements written. First is saying that computer stores every file in binary format. So it's absolutely right that ki jab aap text file ki bhi baat karte hain, so it is again you know stored in the fine form of what, 0 and 1. But the thing is that ki inke beech mein ek intermediate code hota hai, just like you know your ASCII code, jo ki represent karta hai you know jo bhi characters hote hain unko 0 and 1 ke form mein. Isliye aap isko kya kar pate hain, read kar pate hain. So the first option is absolutely right, but the second is saying that both text and binary files are human readable, which is absolutely wrong because text file you all can read, but jo binary file hoti hai, that is actually present in the form of 0 and 1, jise aap directly read nahi kar sakte. So the correct option of this question is what, first is true and second is false. The next question is asking that which is not true about text files. So the first is saying that, matlab ye text file mein se in teeno mein se kaun sa statement aapko sahi nahi lagta hai. तो पहला स्टेटमेंट है कि फाइल विथ एक्सटेंशंस लाइक .py, .csv, .docx आर कंसीडर्ड एज टेक्स्ट फाइल। तो यहां पर .py तो बिल्कुल सही है, .csv भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो .docx होता है ये बेसिकली एमएस वर्ड की फाइल होती है और उसे हम टेक्स्ट फाइल में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वर्ड के अंदर जो डेटा होता है वो ASCII में कन्वर्ट होके 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। सो इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, बाइनरी फाइल। So this first statement is wrong. The second is saying that you know text file content are stored in ASCII-Unicode or any other encoding scheme. So ये बिल्कुल सही बात है, as I said कि जो भी encoding scheme होती है जो human read कर सकते हैं, means these encoding scheme actually work as an interface between you and your machine. So it is absolutely right. The third is saying that the text file are not human readable, which is again false. So the नॉट ट्रू की अगर हम बात करें, सो द स्टेटमेंट वन एंड थ्री बोथ आर एक्चुअली नॉट ट्रू, इन द सेंस ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये मिसप्रिंट है, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं कि ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट EOL स्टैंड फॉर वॉट, वी ऑल नो दैट इट इज सिंपली एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन इज वॉट। इन द सेंस जब भी आप किसी टेक्स्ट फाइल में से फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को आप डालें तो वो एंड होता है बाय डिफॉल्ट हमेशा बैक स्लैश एन से। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, न्यू लाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट द डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर इन पाइथन इज व्हाट, बैक स्लैश एन, विच इज एब्सोल्युटली राइट। हाउएवर अदर कैरेक्टर्स लाइक यू नो कॉमा, स्पेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ लाइन, विच इज अगेन एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आप ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल बैक स्लैश एन ही यूज कर सकते हैं, आप कॉमा ले सकते हैं। वी ऑल नो दैट जब आप सीएसवी फाइल की बात करते हैं तो कॉमा सेपरेटेड ही हम बोलते हैं। आप यहाँ पे स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट दी रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जितने भी हैं इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज आस्किंग दैट एन इमेज इज अ टाइप ऑफ वॉट। तो इमेज को आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते ना, सो इट इज बेसिकली वॉट, बाइनरी फाइल, बिकॉज इमेजेस को ऑब्वियसली रन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ पाइथन प्रोग्राम कैन रीड ओनली बाइनरी फाइल्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जब आप डॉट फाइल बनाते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, टेक्स्ट फाइल होती है, तो पाइथन उसे भी रीड कर सकता है। सो इट कैन रीड बोथ यू नो योर बाइनरी एंड डॉट फाइल। तो सेकेंड इज वॉट, चेंजिंग अ सिंगल बिट कैन करप्ट अ बाइनरी फाइल कंप्लीटली, विच इज एब्सोल्युटली राइट, कि आपकी एक इमेज है फॉर 40 से
यू नो केबी की और एक सिंगल बाइट भी इसमें चेंज हुआ पूरी इमेज करप्ट हो जाएगी. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन नोटपैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. सो नोटपैड डायरेक्टली रीडेबल बाय योर मशीन एंड विद बाय यू. सो वी कैन से इट इज व्हाट योर टेक्स्ट फाइल. The file with extension of .mp4, which is basically, I think, video files we are talking about, is basically considered as what your binary file. Move to the next question. Here it is saying that which of the following is true about binary files. Well, binary files are human readable, so it is absolutely wrong because aap ise directly read nahi kar sakte. Then binary file uses ASCII Unicode like encoding scheme to store its content, so it is again wrong because बाइनरी फाइल डायरेक्टली जो होती है वो बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होती है. ASCII Unicode इज बेसिकली फॉर योर टेक्स्ट फाइल्स. ऑप्शन सी इज सेइंग दैट प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी फाइल इज स्लो एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल्स. सो विच इज अगेन रॉन्ग थिंग बिकॉज बाइनरी फाइल जो होती है उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा तेज होती है. एंड दैट टू रीड एंड राइट द कंटेंट ऑफ ए बाइनरी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, विच इज एब्सोल्युटली राइट. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. प्लीज इन सारे ऑप्शन को आप ध्यान में रखेंगे. The next question is asking about when you try to open a binary file in MS Word, it will show you what. So, जब आप किसी फाइल को MS Word में ओपन करेंगे binary file को, so ये आपको garbage value return करता है या display करता है. ना binary digit display होगी, ना actual content display होगा, ना ही ये सही है कि ये open नहीं होगा. Open होगा garbage value के साथ में. अगले question की ओर बढ़ते हैं. Here it is asking that which of the following extension is not a binary file. .py obviously ये text file है तो ये तो binary file नहीं होती है. .exe, mp3, jpg all are binary files. So the correct answer is option A. Next question is saying that which of the following extension does not represent a text file. So again now we all know that कि text files, csv, py, all these are you know the text file, but docs जो होता है it is considered as your binary file because as I said इसमें जो भी data आप इनपुट करते हैं दो इट इज रीडेबल बट अगेन इट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ASCII एंड इट यूजेस एक्चुअली व्हाट एनकोडिंग स्कीम लाइक ASCII और यूनिकोड. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बी. मूव टू द नेक्स्ट वन. हियर इट इज सेइंग दैट डैश कैन बी रीड बाय ह्यूमंस. सो वी ऑल नो दैट टेक्स्ट फाइल्स वी ऑल कैन रीड एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू ओपन ए फाइल. सो जब भी आपको फाइल को ओपन करना है वी टेक दिस ओपन मेथड और ये जो भी फाइल को आप यहाँ पे पाथ देते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिटेल्स होती है इन फॉर्म ऑफ फाइल का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो सारी डिटेल हमारे फाइल ऑब्जेक्ट में सेव होती है. सो ये बिल्कुल सही है. यहाँ पे एक्सेस मोड का मतलब होता है कि आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, राइटिंग मोड में कर रहे हैं या अपेंडिंग मोड में कर रहे हैं. एंड सिमिलरली अगर आप कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते हैं देन ऑल्सो यू कैन ओपन योर फाइल इन डिफॉल्ट रीड मोड. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. Move to the next one. Which of the following is not an appropriate file access mode? So, ये question थोड़ा सा गलत है because इसमें जितने भी options आप देख रहे हैं all are you know the access mode. So, earlier I was thinking like W plus, but it is again you know the access mode. The thing is that अगर कोई और दूसरा character हो तो आप उसे ध्यान में रखेंगे. अगले question की ओर बढ़ता हूँ. Now, what will happen if you execute following code that is my object equal to open in bracket myfile.txt. So, it is a text file. So, by default, it will be open in form of read mode, you can say. The correct answer is option B. Next question again is saying that what will happen if you execute following code. इसे मैंने थोड़ा सा technical कर दिया है कि text file है तो text file ही open होगी और वो read mode में open होगी. अगर यहाँ पे access mode होता है, let's suppose you know RB, so या RB plus, तो ऐसी situation में ये binary के form में display होता है. So the correct answer is what B. अगले question की ओर बढ़ते हैं. Here it is saying that Raju want to open exp.txt file in read, write and binary, all these mode. तो इसके लिए हम क्या use करें? तो पहली चीज तो ये कि read होता है, W होता है, append होता है. R plus कर दोगे तो read write हो जाएगा, W plus कर दोगे तो read write हो जाएगा और जब आप इनके सामने B लगा दोगे तो ये binary हो जाता है. So based on this concept, we all can say that my object equal to open exp.txt, wb plus is the correct answer. Next question is saying that predict the output of given code, that is file object equal to open sample.txt, r plus. So again, it will open your file in read and write both mode. So we can say, and obviously text mode to ho gai hoga. So we can say that open sample.txt in text, read and write mode.
Next question is saying that if you want to add a new line of text in sample.txt, then which file open mode you would select? So A+W. So append करना है, it means आपको अगर आप केवल A लेंगे तो वो बिल्कुल append करेगा. A plus का मतलब होता है कि वो read only mode में चले जाएगा, और write का मतलब होता है कि वो append नहीं करेगा, content को replace कर देगा. So the correct answer is option number A for this. इस question को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप. अगला जो हमारा question है, that which of the following is not true regarding W file open mode. So अगर आप किसी file को writing mode में open करें तो क्या होता है? तो पहले तो राइट मोड में ओपन होगा, बिल्कुल सही बात है. और जैसे मैंने आपको बोला कि राइट मोड क्या करता है, अपेंड नहीं करता है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है उसको नए वाले से रिप्लेस करता है, दैट इज आल्सो ट्रू. और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उसे क्रिएट करता है, ना कि फाइल नॉट फाउंड एरर का एक्सेप्शन रेज करता है. सो वी कैन से ऑप्शन सी इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ फाइल, A फाइल ओपन मोड. सो इट्स अपेंड मोड. सो अगेन राइटिंग मोड है, नया फाइल क्रिएट करता है और कर्सर को बिगिनिंग की जगह एंड पे ये प्लेस करता है. सो दिस इज व्हाट रॉन्ग. और ये मर्ज करता है एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ नए कंटेंट को. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी. ध्यान रखेंगे आप. अगला क्वेश्चन है, इट ब्रेक्स द लिंक बिटवीन फाइल ऑब्जेक्ट एंड डेटा फाइल स्टोर्ड इन डिस्क. वी ऑल नो दैट कि जब आप ओपन मेथड यूज करते हैं और यहाँ पे कोई फाइल नाम देते हैं और आपने सपोज कोई फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये फाइल का जहां पे भी लोकेशन है मेमोरी में, उसके साथ इस फाइल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, लिंक एस्टैब्लिश होता है. इसी तरह से जब आप क्लोज मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये इस फाइल के साथ इस फाइल ऑब्जेक्ट के लिंक को टर्मिनेट करता है, क्लोज करता है. सो द करेक्ट आंसर इज क्लोज फॉर दिस. जो डंप यहाँ पे मेथड है, दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर यू नो द बाइनरी फाइल. रिमेंबर दिस ऑलवेज. सो आइडियली इफ यू सी दैट, बिकॉज यहाँ पे किसी भी टाइप ऑफ फाइल की बात नहीं किया है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से व्हाट बी एंड डी ऑल, बट बाय डिफॉल्ट जनरली वी टॉक अबाउट दिस क्लोज. मूव टू द नेक्स्ट वन. द डिफरेंस बिटवीन दिस आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस इज व्हाट. सो नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फाइल, अगेन रॉन्ग. In read plus mode, cursor is initially placed at the beginning of the file, which is absolutely right because वो पहले से लेकर last तक read करता है. और writing plus में cursor जो होता है सबसे नीचे में आ जाता है और पूरे ऊपर वाले को delete करता है. So this is absolutely right. और इसी का just opposite डाला हुआ है D, जिसको कि आप wrong कर देंगे. अगले question की ओर बढ़ते हैं. Here it is asking that a PDF file is what? We all know that again it is a binary file. Move to the next question. For writing to a file, we can use what? Write, write line, write lines. So here the right answer is what? This write and what your write lines both can be used to write data. So the option A and C. Move to the next question now. Here it is saying that method which return total number of characters after writing it to the text file. So total number of character कौन return करता है हमेशा? Your write method. कि जैसे आपने कोई write लिया, उसके अंदर कोई data आपने write किया किसी particular file में, तो ये जितना भी वो कैरेक्टर का लेंथ होगा उसको इमीडिएटली आपको एग्जीक्यूट करके दे देता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग कोड. फाइल ऑब्जेक्ट है, हमने सैंपल डॉट टीएक्सटी को राइटिंग मोड में ओपन किया, हमने राइट किया इस स्ट्रिंग को टेक टिप नाउ स्पेस कंप्यूटर \n, एंड इसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया. बट जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो वी ऑल नो दैट राइट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा और \n को भी वो एज ए कैरेक्टर इंक्लूड करेगा, काउंट करेगा. सो दैट द आंसर वुड बी लाइक इट इज 10 स्पेस 11 प्लस 14 देन 17 20 प्लस 21. सो द आंसर वुड बी योर 21. मूव टू द नेक्स्ट वन. अगर मेरे काउंटिंग पे डिस्टर्ब हो, जो कोई फॉल्ट हो, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज सेइंग सुहेल वांट्स टू राइट ए नंबर 3423 इनटू अ टेक्स्ट फाइल exp.txt. हेल्प हिम इन राइटिंग सुटेबल कोड. एज्यूम दैट exp.txt इज ऑलरेडी ओपन्ड एंड फाइल obj फाइल इज योर फाइल हैंडल. तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है इसे हम फाइल हैंडल के नाम से. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने 3-4 को मिस कर दिया. देखिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट करते हैं, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली, टेक्स्ट ओनली. सो यू नो द टेक्स्ट फाइल डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द इंटीजर्स, राइट? सो यू नो यू शुड राइट दिस ऑप्शन बी, और यू शुड सेलेक्ट दिस ऑप्शन बी टू राइट एनी नंबर लाइक स्ट्रिंग. तो फाइल obj.write इन ब्रैकेट सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में आप नंबर को डाल दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट जोरावर वांट्स टू ऐड मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग एज गिवन बिलो इन सैंपल डॉट टीएक्सटी. नाउ ये डिफरेंट लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, इसको लिखने के लिए हम कौन सा कोड लेंगे? सो मल्टीपल लाइन लिखना है तो राइट लाइंस वी यूज,
एंड हम लिस्ट के फॉर्म में भी मल्टीपल लाइंस को या टपल के फॉर्म दोनों के फॉर्म में हम राइट लाइन में डेटा को पास कर सकते हैं या लाइन ऑफ स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं. सो यहां पर स्ट्रिंग में आपने किया एंड इट शुड बी यू नो सेपरेटेड विथ न्यू लाइन बिकॉज वी ऑल नो दैट कि बैक स्लैश एन होना चाहिए. इस सिचुएशन में ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, प्लीज आप इसे एक बार चेक कर लेंगे. तो मोटिव वॉज कि टपल और लिस्ट दोनों ही अलाउड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that Gabbar want to append content in a text file without closing file object. What method he can choose to do so? See what happens. The question is what? कि जैसे आपने file object लिया, किसी file को आपने suppose X file को open, आपने इस X में कुछ data को write कर दिया. मैं अब data आपने लिखा. अब data लिखने के बाद में क्या होगा? जब तक ये file close नहीं होती है, तब तक ये data उस file में जाके file object transfer नहीं करता है. तो इसका मतलब जो है तो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तभी आपका वर्क होगा, मतलब फाइल क्लोज होगी. लेकिन मीनवाइल आप चाहते हैं कि पहली लाइन डले फिर दूसरी लाइन अपेंड हो, तो ऐसी सिचुएशन में बीच में अगर हम टेम्पररी क्लोज करके फाइल में डेटा रीड करवाना चाहते हैं, वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ दिस फ्लश मेथड. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इफ यू वांट टू रीड अ टेक्स्ट फाइल देन इट मस्ट बी ओपन इन फॉर्म ऑफ व्हाट. तो रीड करना है मींस ऑब्वियसली आप चाहे R प्लस करो, W प्लस करो, A प्लस करो, किसी भी मोड में आप ओपन करो, वो तो रीड होनी ही होनी है. सो ऑल दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू नो डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड देन फाइल obj इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में सैंपल डॉट txt. राइट मोड में आपने उसे ओपन किया, लिस्ट आपने ले ली एंड यहां पे आपने लिया फाइल obj डॉट राइट लाइंस और x को पास कर दिया. देन इट इज सेइंग दैट फाइल obj डॉट रीड लाइन. सी रीड लाइन बेसिकली क्या करता है, एक सिंगल लाइन को रीड करता है. तो इस सिचुएशन में जब ये डेटा स्टोर होगा हमारे सैंपल डॉट टीएक्सटी में, तो इट विल बी लाइक यू नो अलग अलग लाइन पे ये स्ट्रिंग्स पास होंगी. जैसे टेक टिप नाउ बैक स्लैश एन, देन नेक्स्ट लाइन में होगा हमारा एडुकेशन, आई एम सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, एंड इसी तरह से यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ जाएगा. तो जब आप इसको यू नो रीड लाइन के थ्रू रीड करेंगे तो ये केवल पहले स्ट्रिंग को यहां से रीड करेगा. सो द आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सेइंग दैट दिस मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम ए फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर. सो सिंपली इट इज व्हाट योर रीड लाइन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज रीड एंड रीड लाइन जो होते हैं वो सारे ही कंटेंट्स को यू नो रीड करते हैं. Now question number 455 is asking you to read entire content of a file. One can use what? So entire content के लिए read और read lines दोनों आप use कर सकते हैं. So both A and C are correct. The next question is saying that read lines returns all the line as a dash of string. So as I said, ये return करता है list के form में आपके string को. हाँ, जब आप input करते हैं write lines में तो list और tuple दोनों का इस्तेमाल हो सकता है. तो ध्यान रखेंगे 456 ये जो question है, रीड लाइन हमेशा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करता है, रिटर्न करता है, सॉरी, ना कि टपल ऑफ स्ट्रिंग. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फाइल इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में सैंपल डॉट टीएक्सटी डब्ल्यू प्लस. तो यहां पर ये राइटिंग या रीडिंग दोनों मोड में आ गया. पहले हमने राइट कर दिया टेक टिप नाउ बैक स्लैश एन कंप्यूटर्स. अब इसके बाद ये सीक मेथड जो है ये बेसिकली जो कर्सर होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट होता है, उसको फर्स्ट जीरो का मतलब फर्स्ट लाइन पे टॉप में पहुंचा देगा. एंड जब आप फाइल डॉट रीड करेंगे तो रीड मेथड में हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर पास कर दिए. तो अगर रीड के अंदर आप कोई नंबर पास कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो मेथड उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर को फ्रॉम लेफ्ट साइड काउंट करके आपको रिटर्न करता है. सो ऐसी सिचुएशन में यहां पे फर्स्ट 7 कैरेक्टर इफ यू सी देन TECH TIPN. सो द आंसर विल बी टेक टिप एन. सो द सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Move to the next question. Here it is saying that predict the output of given code. Now, आप ये assume करें कि जो ये exp.txt है, इसमें ये string डला हुआ है. fh equal to open exp.txt in bracket r, then s equal to len fs.read. Now, what happens कि जब ये read करेगा data को, तो पहले तो beginning में cursor होगा, then read method जब execute होगा, तो cursor end पे आ जाएगा. Right? और end आने पे जब ये length को find करेगा, तो उसे कोई भी string नहीं मिलेगा. इसलिए इसका जो answer होगा, that will be your no output. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हियर इट इज सेइंग दैट मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए डेटा फाइल. एज आई सेड वी यूज दिस सीक मेथड. अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करने के लिए आप कौन से मेथड को यूज करते हैं. तो वी ऑलवेज यूज दिस लोड मेथड. और जो डंप मेथड होता है वो हम यू नो डेटा राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो वी कैन से मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर पाइथन ऑब्जेक्ट टू राइटिंग डेटा इन बाइनरी फाइल इज योर डंप मेथड. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और ऑब्जेक्ट इन मेमोरी.
to a stream of bytes that is binary file can be then stored in disk is called what? किसी भी data को या किसी भी object को stream of bytes में convert करना और then उसके बाद binary file में उसे store करवाना, इस process को हम serialization के नाम से भी जानते हैं और इसे pickling के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें ये दोनों ही word same है, so the answer would be A and B both। और बाइनरी फाइल को अगर आपको ऑपरेट करना है, ऐड करना है, डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए पिकल मॉड्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया। आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की ओर हम बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट योर डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सो अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, सो इन डेटाबेस कॉन्सेप्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 464 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स इग्नोर नल वैल्यू। सो यूनिक, फॉरेन की, चेक, ऑल ऑफ द अबव। सो ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स है, चाहे वो यूनिक की हो, चाहे फॉरेन की हो, चाहे चेक कॉन्स्टेंट हो, ये सारे ही आपके नल वैल्यूज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो हियर यूनिक की जो होता है, इट नॉट एक्सेप्ट ब्लैंक, मतलब ये नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता है, उसे कंसीडर करता है। फॉरेन की जो होता है वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। चेक कॉन्स्टेंट में जैसा भी आप वैलिडेशन अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट योर फॉरेन की, जहां पे आप ब्लैंक एक्सेप्ट करवा सकते हैं ड्यूरिंग डेटा एंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड व्हाट योर फॉरेन की, एंड ऑप्शंस आर अ टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी की एंड सिंगल फॉरेन की, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, जबकि एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग दैट द प्राइमरी की कैनॉट इग्नोर नल वैल्यूज बट फॉरेन की कैन, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा अ प्राइमरी की कैन हैव डुप्लीकेट डेटा बट फॉरेन की डज नॉट, इट इज अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज आप नहीं डाल सकते। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कॉपीज ऑफ द सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस। सो डेटा रिपोजिटरी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा माइनिंग और डेटा रिडंडेंसी। देखिए, जब रिपीटेशन ऑफ डेटा की बात होती है, दैट वी ऑलवेज से इज योर डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब हम उसे जानते हैं डिग्री के नाम से। अगला क्वेश्चन जो है, इट इज सेइंग दैट कंसीडर एट्रीब्यूट आईडी, सिटी एंड नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की। सो देखिए, सिटी डुप्लीकेट हो सकता है, नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, बट आईडी जो है वो डुप्लीकेसी के चांसेस इसमें कम है। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डीबीएनएस। एक्सेस इज देयर, यू नो, ओरेकल इज देयर, एसक्यूएल सर्वर, ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज डीबीएनएस। सो द आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी एंड डिग्री फॉर गिवन टेबल कोच। वेल, कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री मींस टोटल नंबर ऑफ, यू नो, द एट्रीब्यूट्स और यू कैन से व्हाट, कॉलम्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स एंड इफ यू सी देर आर 8 रोज, सो कार्डिनैलिटी 8, डिग्री इज व्हाट योर 7। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग दैट इफ डिग्री ऑफ रिलेशन इज 4, दैट मीन्स रिलेशन हैव, ऑब्वियसली डिग्री मतलब 4 एट्रीब्यूट हो गया, ये सिक्वेंस में है इसलिए शायद आप समझ जाएं, बट अगर ये ऑर्डर में ना हो तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रिलेशनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ऑब्वियसली डॉक्टर ई एफ कॉर्ड। रिचर्ड स्टैलमेंट ने ओपन सोर्स के कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाया। गिडो वैन डॉसन वी ऑल नो इज फॉर पाइथन, एंड जॉन वॉन न्यूमैन का मुझे याद नहीं आ रहा है, इन्होंने कुछ एक मशीन बनाई थी। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर द गिवन टेबल स्टूडेंट हैविंग फील्ड्स एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल फील्ड फॉर प्राइमरी। सो लाइक एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये दोनों हो सकते हैं, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ भी। पूरे स्कूल की अगर आप बात करें तो अलग अलग क्लासेस में सेम रोल नंबर रिपीट हो सकते हैं, तो एडमिशन नंबर जो होगा वो हमारा यहाँ पे प्राइमरी की के लिए बेस्ट सुटेबल है। देखिए, प्राइमरी की का मतलब जो उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो और जिसमें डेटा एंट्री आपको करना ही करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इट इज व्हाट, योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कॉपीज ऑफ सेम डेटा ऑक्यूपाइंग। तो ये मेरा रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई सॉरी फॉर दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म डेटा रिफर्स टू व्हाट? वेल, डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट कैन बी एनी स्ट्रिंग, कैन बी एनी से कैरेक्टर, इट कैन बी एनी कोड, इट कैन बी एनी सिंबल, इट कैन बी एनी नंबर जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स ऑन ए रिलेशन. सो नंबर ऑफ टपल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनैलिटी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टर्म एट्रीब्यूट, इट्स ऑल अबाउट योर कॉलम्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग दैट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. वी ऑल नो दैट प्राइमरी की प्लस फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होता है, बट एक्चुअली फॉरेन की प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू नो एस्टैब्लिशिंग द लिंक बिटवीन टू टेबल्स. सो द करेक्ट आंसर इज फॉरेन की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑर्डर इन ब्रैकेट ऑर्डर आईडी सी कोड एंड टोटल. हियर द ऑर्डर आईडी सी कोड एंड टोटल आर डैश एंड ऑर्डर इज व्हाट. सो ऑर्डर इज टेबल का नाम, दैट इज रिलेशन, एंड दीज आर व्हाट योर कॉलम्स और फील्ड नेम्स विच वी कॉल एज और नोन एज एट्रीब्यूट. सो द आंसर पहला जो है ये फील्ड नेम है, सो एट्रीब्यूट, देन आंसर ऑर्डर इज व्हाट योर रिलेशन. द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर बी. मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज आस्किंग दैट बिफोर डीबीएमएस इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड यूजिंग व्हाट. वी ऑल नो दैट पहले के जमाने में फाइल सिस्टम यूज होता था. अदर ऑप्शन को आप देखें तो डेटा सिस्टम तो कुछ भी नहीं होता. मेमोरी अगेन इज अ नाउन जो कि एक ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, फाइल सिस्टम. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इट इज आस्किंग दैट स्टोरिंग रिकॉर्ड यूजिंग डीबीएमएस हेल्प्स इन व्हाट. तो जब आप डीबीएमएस में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा रिपीटेशन रिड्यूस करता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है और डेटा शेयरिंग का भी कंट्रोल एक्सेस देता है. तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं. कई दफा मैंने अपने वीडियो सेशंस में इसको डिस्कस किया है. डेटाबेस कॉन्सेप्ट का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ अभी हो सकता है आई बटन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट. लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज व्हाट, सी दिस इज व्हाट योर टेबल. Now, in table, these are called data. In data से मिलकर आपका एक record बनता है. And record कई सारे जो होते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है logically related record, तो इनसे मिलकर आपका एक table ready होता है जिसे हम relation के नाम से जानते हैं. अगर यहाँ record की जगह data होता तब हम इसको बोलते क्या, tuple. ध्यान रखेंगे इस बात को. अगले question की ओर बढ़ते हैं. इट इज सेइंग दैट आई इंश्योर एवरी टपल इन यूनिक इन रिलेशन. मतलब हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए. दूसरा, एक टेबल में एक ही कॉलम में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता. सीधी सीधी बात है, प्राइमरी की बात यहाँ पे हो रही है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस. इन्वेंट्री बिल्कुल डीबीएमएस का एग्जाम्पल है, बैंकिंग भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है, तो ये सारे ही यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. It is saying that database schema is what? So database schema का मतलब होता है design of database. And design of database का मतलब जहां पे उसका structure, field names, data types, ये सारे तमाम चीजें आती हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर table name, उसके fields, relation obviously यहाँ पर होगा, लेकिन जो data store होता है उसे schema में हम नहीं रखते. So the correct answer is what, A and B. अगले question की ओर बढ़ते हैं. It is saying that when we define database schema, डेटाबेस स्टेट इज व्हाट. तो जब आप किसी भी डेटाबेस को डिफाइन करते हो, उसके स्ट्रक्चर को, तो उसका जो स्टेट होता है वो हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है. मतलब उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, और स्टेट जो है जैसे जैसे रिकॉर्ड जाते हैं उसके स्टेट जो होता है वो चेंज होते चले जाता है. इट्स ऑल अबाउट करंट स्टेटस ऑफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन RDBMS आर रिप्रेजेंट व्हाट. सो वी ऑल नो दैट इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनल, नॉट रिलेशन. ध्यान रखेंगे, इट इज ऑलवेज व्हाट योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट इन अ रिलेशन टपल रिप्रेजेंट व्हाट. सो टपल इज ऑल अबाउट अ रो. सो दिस इज अगेन क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ अस. नाउ विच फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू द RDBMS. RDBMS के केस में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपको सही नहीं लगती कि इसकी होनी चाहिए. सो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज इनमटेरियल. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रोल नंबर लिया और रोल नंबर के बाद आपने नेम लिया, नेम के बाद आपने क्लास लिया. तो ये एक नियम है कि पहले रोल नंबर होगा, फिर नेम होगा, फिर क्लास होगा. आप क्लास को पहले ले सकते हो, फिर रोल नंबर को ले सकते हो, और उसके बाद नेम ले सकते हैं. तो ये पोजिशन जो है इसकी चेंजेबल होती है, ये बिल्कुल सही है.
टपल्स इन ए रिलेशन कैन बी डुप्लीकेटेड, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड जो आपके टेबल में है वो यूनिक होना चाहिए, इसीलिए हम प्राइमरी की भी देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इन वन टपल। अब हमने ये टेबल बनाया, नो एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि ये एक सिंगल सेल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें केवल एक ही डेटा आप डालेंगे, एक से ज्यादा नहीं डालेंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन, सो अगेन इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज सेइंग दैट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द टेबल इज व्हाट। आप किसी भी टेबल में जब डाटा डालते हैं और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो उसे हम डेटाबेस कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। देखिए डेटाबेस की लिखा हुआ है तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज की बात कर रहा है और अगेन वो डेटाबेस कॉन्स्टेंट के पार्ट होते हैं। सो द आंसर वुड बी योर डेटाबेस कॉन्स्टेंट। Move to the next one. Here it is saying that a tuple is unique entity whereas attribute values can be duplicated in the table, which is absolutely right. देखिए overall आपकी जो रो है वो यूनिक होनी चाहिए। अब एक कॉलम में या एक एट्रीब्यूट में आपने डाटा यूनिक रख दिया, बाकी सब में डुप्लीकेट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल तो ये यूनिक हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट, जैसे रोल नंबर आपने यूनिक कर दिया, नेम सिटी सब डुप्लीकेट हो सकता है। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which of the following is RDBMS? So MySQL है, SQL Server भी है, MongoDB भी होता है, it's product of Google then. So all of the above are correct. Move to the next one. Which of the following represent a valid file system to store records? तो फाइल सिस्टम की बात करें तो एक्सेस और MySQL नहीं होगा, CSV फाइल बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, इसे हम कट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now here it is saying that a school has a rule that each student must participate in sports activity. So each one should give only one preference of sport activity. एक टेबल बनाना है आपको स्कूल में, एक नियम ये है कि स्पोर्ट एक्टिविटी है, हर एक स्टूडेंट को एक स्पोर्ट में भाग लेना है, वो उसके लिए नाम दे सकता है। Now so each one should give only one preference. Now suppose there are five students and having सबके यूनिक रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर हो गया, सबके यूनिक रोल नंबर आ गए और इनका जो प्रेफरेंस है सब्जेक्ट वो हमने स्पोर्ट्स जो नाम है वो यहाँ पे हमने डाल दिए। अब चार नंबर जो है वो नल है और आप देखें रोल नंबर एक जो है वो नल है, तो कबड्डी जो है वो यहाँ पर देखें हमने असाइन तो कर दिया है बट रोल नंबर का पता नहीं, और ये ऑलरेडी यूनिक है, ये प्राइमरी की फील्ड है, तो इस फील्ड में नल तो कभी भी एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप का रिकॉर्ड बनाना। हालांकि यहां पर जो नल है चार नंबर के साथ ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्रीफरेंस एक नॉर्मल फील्ड है, नॉर्मल एट्रीब्यूट है, वहां पे आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस कस्टमर सेल टू मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स आइटम एंड देयर सेल, देयर इज सम एरर, एक्चुअली इट शुड बी कस्टमर बिकॉज आप देखें इसके ऑप्शन तो यहाँ पे कस्टमर की फील्ड है। ये बोलता है कि कस्टमर टेबल में ऐसी फील्ड का नाम बताओ जो कैंडिडेट की हो सकती है, तो कैंडिडेट मतलब जो प्राइमरी की के दावेदार है, तो सी कोड हो सकता है, डुप्लीकेसी नहीं होगी, सी एड्रेस भी हो सकता है, आप दोनों को ले सकते हैं, नेम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, एड्रेस में चांसेस है यूनिक होने के, बट इन दोनों कैंडिडेट में फिर आप सी कोड को सिलेक्ट करते हैं, और जब सी कोड को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद मतलब जब आप सी कोड को प्राइमरी की बना देंगे तो सी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट की में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर द केस गिवन इन क्वेश्चन 34 द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू रिसीव डिटेल ऑफ सेल ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर, नेम द टेबल एंड द की विच आर रिक्वायर्ड टू रिट्रीव दिस डिटेल। एक्चुअली इट इज क्वेश्चन नंबर 497, क्योंकि मैं इंडिविजुअल जब इनके एमसीक्यूज को कंपाइल कर रहा था तो ये क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा था, बट ओवरऑल इट इज 490 कि हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो इट शुड बी एक्चुअली कस्टमर नंबर, तो यू कैन करेक्ट इट एज कस्टमर नंबर। तो जब आप किसी का सेल किसी पर्टिकुलर कस्टमर का देखना चाहेंगे तो आपके लिए मेन काम करेगा ये कस्टमर कोड, एक्चुअली इट शुड बी कस्टमर कोड, आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, टेक इट एज कस्टमर कोड। तो ये यहाँ पे प्राइमरी होगा, जब ये दोनों टेबल लिंक होंगे तो ये यहाँ पे कस्टमर कोड फॉरेन की हो जाएगा। तो जब आप डेटा देखेंगे दोनों टेबल आपस में लिंक होंगे तो कस्टमर और सेल से लेंगे और कस्टमर कोड इसमें कॉमन फील्ड होगी। अगेन प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज, इट इज सेइंग दैट देयर आर टू टेबल्स स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट असाइंड, आपको इन दोनों टेबल में प्रोजेक्ट असाइंड में फॉरेन की खोजना है। You can see here registration ID in the student table is what unique numbers. So this will be taken as primary key in this. और जब आप इससे इसको relate करेंगे तो registration ID यहाँ पर क्या हो जाएगी, foreign key हो जाएगी। अगले question की ओर बढ़ता हूँ। The dash is a request to database for obtaining information in desired way.
वी ऑल नो दैट कि अगर किसी डेटाबेस से आपको डेटा एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं या क्वेरी का निर्माण करते हैं। टेबल का काम होता है डेटा स्टोर करवाना, रिपोर्ट का काम होता है डेटा को प्रिंट करवाना, और होस्टिंग जो है वो डेटाबेस से इसका खासा संबंध नहीं है। होस्टिंग का मतलब वेबसाइट को होस्ट करना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाट योर क्वेरी। द नेक्स्ट इज सेइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नल वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू कॉलम रोल नंबर। नाउ रोल नंबर है, अगर रोल नंबर जीरो होगा तो क्या नल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रोल नंबर नॉट नोन होगा तो ले सकते हैं क्या नल? बिल्कुल ले सकते हैं। जब नॉट अवेलेबल होगा तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और एप्लीकेबल अगर रोल नंबर नहीं होगा तो ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब जीरो जो होता है, वी कैन नॉट कंपेयर दिस जीरो विथ नल, बोथ आर नॉट इक्वल। सो द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए। एंड द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डैश इज यूज्ड टू गेट द कॉमन टपल फ्रॉम टू टेबल्स। सो कॉमन टपल का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कि आपका एक सर्कल में यहाँ पे सपोज इस तरह से डेटा है और एक सर्कल है जहां पर आप 1, 2 है, 7, 8 है, आप इनको कंबाइन करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन बनेगा जहां पे ये 1, 2 होगा, कॉमन हो जाएगा, बाकी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सो वी कैन से इट इज व्हाट योर इंटरसेक्शन। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट के। अब हम आगे मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आइए उन सबको देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एसक्यूएल इज व्हाट, यू नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कमांड। सो क्रिएट डेटाबेस इज देयर, क्रिएट टेबल, क्रिएट क्वेरी, शो टेबल। वेल, क्रिएट डेटाबेस इज देयर, देन क्रिएट टेबल भी होता है, शो टेबल भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट क्रिएट क्वेरी के नाम से कोई भी कमांड हमारे एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? योर क्रिएट क्वेरी। Let's move to the next question. Here it is asking that a table can have dash foreign keys. Well, जब आप किसी टेबल में फॉरेन की बात करें तो वो एक से ज्यादा हो सकती हैं और उसको आप एक या दो होंगी ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी मैनी फॉरेन कीज। यहां पर आप जानते ही होंगे कि अगर प्राइमरी की होता उस सिचुएशन में जो इसका आंसर होता वो होता इसका 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डीएमएल इज नॉट एग्जीक्यूटेड। सबसे पहली बात तो ये कि डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड वी ऑल नो दैट डेटा मैनिपुलेशन का मतलब जहां पर हम डेटाबेस में जो अवेलेबल डेटा है उसको मैनेज करने की बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन है दैट इज व्हेन न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। तो बिल्कुल, जब आपको नया रिकॉर्ड एड करना है तो वो डीएमएल में ही आएगा, इसके लिए आप इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देन व्हेन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इज मॉडिफाइड, तो ऑब्वियसली यहां पर हम अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीएमएल। देन व्हेन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट इज मॉडिफाइड, एट्रीब्यूट इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम, एंड कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज योर ऑल्टर कमांड, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट? डीडीएल। सो द करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज अगला जो ऑप्शन है दैट इज व्हेन रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड, एंड यू अगेन नो इसके लिए हमें डिलीट कमांड का इस्तेमाल करना होता है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इन द सेंस, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में क्या डिफरेंस है, इनमें से आपको कौन सा लगता है सबसे ज्यादा सही है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग अ टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी की एंड सिंगल फॉरेन की, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी हमने देखा कि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्राइमरी की कैन नॉट इग्नोर नल वैल्यू बट फॉरेन की कैन, विच इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज प्राइमरी की जो होता है उसमें आप नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसमें नल को इग्नोर नहीं करेंगे, जबकि फॉरेन की में आप नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट अ प्राइमरी की कैन हैव डुप्लीकेट डेटा बट फॉरेन की डज नॉट, विच इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज प्राइमरी की में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते, फॉरेन की में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। सो एज आई सेड, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट इन एसक्यूएल फ्रॉम क्लॉज इज यूज टू, द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट डिफाइन सोर्स टेबल नेम व्हाइल रिट्रीविंग रिकॉर्ड। सो नाउ यू ऑल नो दैट जब आप सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप देते हैं यहाँ पे फील्ड्स, एंड इसके बाद जब आप फ्रॉम क्लॉज लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देते हैं टेबल का नाम। तो बेसिकली जो फ्रॉम क्लॉज है ये टेबल का नाम डिफाइन करना है या सोर्स टेबल के नाम को ही डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। कॉलम नेम डिफाइन करना है तो वो तो सेलेक्ट के साथ आप करते हैं। देन क्राइटेरिया के लिए आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शन सी।
देन डिफाइन वैल्यूज वाइल इंसर्टिंग रिकॉर्ड, तो वो इंसर्ट इनटू में आ जाता है. तो करेक्ट आंसर एज आई सेड इज ऑप्शन ए. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन. तो एग्रीगेट फंक्शन की जब हम बात करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉट योर मल्टीपल रो फंक्शन. एंड देर आर फाइव एग्रीगेट फंक्शन वी ऑल नो इज यू नो एवरेज मैक्स मिन काउंट एंड सम. सो यहां पर आप देखिए एवरेज मैक्स और काउंट ये तीनों ही होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर एग्रीगेट फंक्शन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज आस्किंग दैट एसक्यूएल स्टैंड फॉर वॉट. सो वी ऑल नो दैट इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डीडीएल. नाउ हियर इट इज यू नो टॉकिंग अबाउट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. जब आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हैं सो इट्स ऑल अबाउट यू नो द डिजाइन ऑफ योर डेटाबेस. ऑप्शन नंबर वन इज आस्किंग दैट द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस. तो किसी भी डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होते हैं उसे एक्सेस करने के लिए डीडीएल का इस्तेमाल होता है. तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये सेलेक्ट कमांड की बात कर रहा है विच इज पार्ट ऑफ योर डीएमएल. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट द क्रिएशन ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस विच इज अगेन एब्सोल्युटली राइट. स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन ऑफ डेटाबेस. तो डीडीएल जो होता है वो ऑब्वियसली डेटाबेस के डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगला जो ऑप्शन है दैट इज द डिलीशन ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट. तो डिलीट करने के लिए तो हम ड्रॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो आई थिंक देखिए डिजाइन को क्रिएट करना भी डीडीएल का पार्ट है और डिजाइन को डिलीट करना मीन्स ड्रॉप करना भी डीडीएल का ही पार्ट होता है. सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर ट्रू. इसे आप मार्क कर लेंगे. अगला जो क्वेश्चन है दैट डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन 2000 इट इज वॉट डीडीएल और डीएमएल. सो वी ऑल नो दैट की डिलीट जो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है. इट्स पार्ट ऑफ डीएमएल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन यूनिक की. सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज हमारे टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कीज हो सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ई नेम एंड विद इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट. मतलब आपको इस एम्प्लॉय टेबल के डेटा को डिस्प्ले करना है जो कि एम्प्लॉय नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे और डिपार्टमेंट के असेंडिंग ऑर्डर में. सो ऑब्वियसली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय देन ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम एंड ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट DESC इज रॉन्ग बिकॉज हमें एम्प्लॉय नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. सो इसका मतलब एम्प्लॉय नेम DESC होगा और डिपार्टमेंट असेंडिंग होगा. सो द करेक्ट आंसर इज वॉट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम DESC डिपार्टमेंट. सो दिस इज करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कॉन्स्टेंट. देखिए एसक्यूएल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो डेटा की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे एसक्यूएल कमांड में. बेसिकली देर आर फाइव कॉन्स्टेंट जिसमें कि पहला तो प्राइमरी की है, फॉरेन की होता है, देन हम नॉट नल को लेते हैं इसे मैं यहाँ पे. इसके बाद में हमारे पास होता है चेक कॉन्स्टेंट, देन वी हैव डिफॉल्ट. सो इन द सेंस इज नल जो होगा इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर. So the correct answer is option A. Now the next question is asking that select correct SQL statement to increase price of books by 10%. Means यहाँ पे हम update command को use करने की बात कर रहे हैं. तो price जो है books का वो 10% से increase करना है. So one first option is saying update book set price equal to price into 0.1. So which is actually wrong because यहाँ पे increase करना है. तो it should be plus actually. Then update book set price equal to price plus price into 0.1 which is absolutely correct. So the option B is correct one because where clause और ये पूरी तरह से यहाँ पे गलत है. अगले question की ओर बढ़ते हैं. Now here it is saying that for given table sales what will be the output of following code. Select S name, हमें ये S name select करना है. From sales table where rank is greater than 4, तो rank is greater than 4 मतलब एक ही rank है 5 जो इससे बड़ी है. और ऑर्डर बाई एस नेम, सो यू कैन से यहां पे केवल एक ही रिकॉर्ड ये सफिक को डिस्प्ले करेगा. सो द आंसर इज ए. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो. ये टेबल है हमारे पास में. इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर गेटिंग ग्रेड सी इन आइदर गेम और SUPW. इन द सेंस ये ग्रेड फील्ड हो गई. आई थिंक दिस क्वेरी इज नॉट प्रॉपरली मेंशन. सो वी शुड लीव दिस बिकॉज here it is saying that in either game or SUPW. So either game or SUPW मतलब ये यहाँ पर कौन से game में और SUPW में ये बता रहा है. Not clear to me. So आप इस question को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि it is not properly written. हम अगले question की ओर बढ़ते हैं. Here it is saying that for given table this
अगेन स्टूडेंट इट इज आस्किंग दैट इस टेबल में हमें डेट ऑफ बर्थ को नया एड करना है. तो डेट ऑफ बर्थ एड करना है, इसका मतलब ऑब्वियसली वी विल यूज दिस ऑल्टर टेबल. एंड एड करने के लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर एड. सो इसका जो डेट टाइप है इट इज टेकन एज डेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इफ यू सी इज वुड बी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड डेट ऑफ बर्थ एंड इट शुड बी ऑफ टाइप डेट. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. Now here it is saying that for given table student in this previous question, list different games offered by school. I go back to this table again. Now different games like cricket, tennis, swimming and hockey. मतलब यहाँ पे देखिए swimming दो बार है, tennis दो बार है, जिन्हें हमें display करते समय नहीं लेना है. तो यहाँ पर जिस key का हम इस्तेमाल करेंगे, means keyword का इस्तेमाल करेंगे, that will be your distinct keyword. इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्वेरी लिखेंगे. इसका जो सही आंसर होगा दिस विल बी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन टेबल लाइब्रेरी, इसमें बुक नंबर है, टाइटल है, क्वांटिटी और प्राइस है. वी हैव टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ बुक्स विथ प्राइस रेंजेस 150 टू 200 एंड क्वांटिटी शुड नॉट बी नल. सो इन द सेंस हमें लिस्ट ऑफ बुक्स को डिस्प्ले करना है. सो वी आर टेकिंग टाइटल एंड प्राइस फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इट इज सेइंग जिसका प्राइस का रेंज जो होगा वो 150 से 200 होगा. मतलब यहाँ पे हम बिटवीन एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे. और दूसरा क्वांटिटी शुड नॉट बी नल, मतलब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इज नॉट नल ऑप्शन का. तो इस हिसाब से अगर आप देखें ऑप्शन बी दैट इज सेलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर प्राइस बिटवीन 150 एंड 200 एंड इट इज सेइंग दैट. तो यहाँ पर ये चूंकि और है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी सेइंग दैट टाइटल प्राइस फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर प्राइस बिटवीन 150 और 200 विच इज अगेन रॉन्ग. बट व्हेन यू कम टू दिस लास्ट ऑप्शन इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर प्राइस बिटवीन यू नो 150 एंड 200 एंड योर क्वांटिटी इज व्हाट इज नल. अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने नल ले लिया है जबकि यहाँ पे नॉट नल लिखा है. सो इट शुड बी एक्चुअली इज नॉट नल. तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे, सब में यहाँ नॉट नल आ जाएगा. या फिर इस क्वेश्चन को अगर हम लिखेंगे शुड बी नल. सो ऐसी सिचुएशन में जो करेक्ट सिंटेक्स है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द क्लब कोच आईडी जिसकी फील्ड्स है कोच आईडी, कोच नेम, स्पोर्ट, डेट ऑफ ऐप, पे लिस्ट नेम ऑफ पे. इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं. नाउ इट इज सेइंग दैट लिस्ट नेम ऑफ ऑल दी कोचेस विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है. सो सीधी सी बात है इट इज सेइंग लिस्ट नेम ऑफ ऑल दी कोचेस. तो हम यहाँ पे स्टार तो लेंगे नहीं. अब कोच नेम आएगा लेकिन ऑर्डर बाई क्या होगा, डिसेंडिंग. सो वी ऑल नो दैट DESC इज द करेक्ट कीवर्ड. तो सीधे हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट वेयर इट इज रिटन सेलेक्ट कोच नेम डेट ऑफ ऐप फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाई डेट ऑफ ऐप DESC. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप वायरकैट 20 हैज द वैल्यू केशव. The attribute B of data type cat 20 has value of Meenakshi. How many characters are occupied in attribute A and attribute B? Attribute A जो है वो varchar है जिसका कि मतलब होता है variable length. तो maximum size 20 है. तो इसमें आप जो भी size का data डालेंगे उसकी उसमें जितने characters होंगे उतना ही वो display करेगा या size memory में occupy करेगा. So varchar है, यहाँ पे केशव है. So it is of 6 character. तो ये तो बिल्कुल सही है कि 6 होगा. एंड एट्रीब्यूट बी की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपने डाला मीनाक्षी लेकिन इट इज ऑफ कैरेक्टर 20. तो कैरेक्टर का मतलब फिक्स्ड लेंथ और 20 का मतलब ये हुआ कि आप इसमें कुछ भी डालेंगे तो रिमेनिंग जो स्पेसेस हैं लाइक इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 3, 6 एंड 9. तो रिमेनिंग 11 स्पेसेस में क्या करेगा सिस्टम, ब्लैंक स्पेस को डाल देगा. सो इन द सेंस इसका टोटल साइज वो 20 ही रखेगा. इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी की ओरिजिनल वायरकैर में ये 6 होगा और कैर 20 के केस में ये पूरा ही साइज लेगा, ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में. सो बी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड फ्रॉम प्रोडक्ट. व्हाट डज दिस गिवन क्वेरी डू. तो आपने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड तो इट एक्चुअली इट शुड बी इन ब्रैकेट. तो ये क्या करेगा, इट गिव्स ऑल दी टपल हैविंग डिपार्टमेंट नेम. सो ये गलत है. इट शुड बी एक्चुअली DEPT _ नेम. सो यू कैन करेक्ट इट एज डिपार्टमेंट नेम. Now it gives all the tuple having department name. So ये wrong होगा क्योंकि ये unique departments को display करेगा. It gives the department name attribute values of all tuples without repetition, which is absolutely correct.
The C option is saying that it gives all the department name attribute of all the tuples, so which is wrong. And the D is saying it gives all the department name attribute of all the tuples. I mean, ये दोबारा repeat हो गया है. अगले question की ओर बढ़ते हैं. It is saying that Suchita is creating a table employee with field employee number, employee name and salary. She doesn't want the salary column to be remain unfilled. That is, she want to make entry in this field mandatory. Which constant we should use at the time of creating employee table? मतलब सुचिता एक टेबल बना रही है employee जिसमें कि तीन फील्ड हैं employee number, name and salary. But वो salary में आपको data entry compulsory करना है. तो इसके लिए सिंपली जो कॉन्स्टेंट आप इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी योर नॉट नल. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट चमन वांट टू चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इन द कस्टमर टेबल फ्रॉम 10 टू व्हाट 15. राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट कमांड टू डू द सेम. मतलब ऑलरेडी हमारे कस्टमर टेबल में जो डिस्काउंट है उसका पहले से जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 10 है, उसको मॉडिफाई करके 15 करना है. तो हम ऑल्टर टेबल लेंगे प्लस मॉडिफाई लेंगे. सो इसमें सीधे सीधे आप बोलिए ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हमने लिखा है ऑल्टर टेबल कस्टमर देन मॉडिफाइड डिस्काउंट इंटीजर एंड देन अगेन वी आर टेकिंग डिफॉल्ट 15. सो दिस वन इज करेक्ट. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कस्टमर्स हुज नेम कंटेंट्स ए एज थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम द कस्टमर टेबल. अब ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको उन कस्टमर का नाम डिस्प्ले करना है जिनके नाम में तीसरा जो अल्फाबेट है वो ए होना चाहिए. तो पहले दो अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, तो यहां पर हम लेंगे अंडर स्कोर दो बार और तीसरा ए आएगा और उसके बाद कुछ भी होगा तो मतलब परसेंट लगाएंगे. तो इसका मतलब ये जो लाइक में हमने यहाँ पे ये अंडर स्कोर ए परसेंटेज लिखा है दिस इज द करेक्ट वन. सो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट राजू इज ट्राइंग टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल एम्प्लॉय फॉर दिस ही रोट डिलीट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय बट ही इज गेटिंग एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस कोड हेल्प हिम इन राइटिंग करेक्ट कोड. सो राजू ने एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए ये लिखा डिलीट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय जिसमें कि वो सही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. तो जो सही कोड होता है डिलीट का वो सीधे सीधे होता है आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय. ऑप्शन जो होगा ये ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का. बाकी ये डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट ऑल ये सब रॉन्ग होंगे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट ड्रॉप टेबल कस्टमर इज अ डैश टाइप ऑफ स्टेटमेंट. तो ड्रॉप टेबल जो है वो डिजाइन से रिलेटेड है, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है. नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन. तो ऑल्टर डिफाइन करता है, क्रिएट टेबल भी डिफाइन होता है, ड्रॉप भी डिफाइन होता है, सेलेक्ट जो होता है वो डेटा एक्सेस करने के लिए होता है, रिट्रीव करने के लिए होता है विच इज पार्ट ऑफ डीएमएल. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल स्टोर्ड इन डेटाबेस. तो ऑब्वियसली किसी डेटाबेस में लिस्ट ऑफ टेबल आपको चेक करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शो टेबल्स को. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कॉन्स्टेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज. सो डुप्लीकेट रोज को रोकने के लिए यूनिक की होता है. चूंकि देखिए यहां पे एंट्री की बात हो रही है ना कि डिस्प्ले करने की, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा. प्राइमरी की में भी डुप्लीकेट रो रोका जाता है लेकिन एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है. इसलिए अगर आप आइडियली देखेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. बट अगर आप प्रिफरेंस में जाएंगे तो हम यूनिक की को लेंगे. बट अगेन इट शुड बी यूनिक एंड प्राइमरी की बोथ, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन एसक्यूएल इज व्हाट. देखिए जब एसक्यूएल में आप डेट एंट्री करते हैं या डिस्प्ले करते हैं तो वो हमेशा पहले ईयर दिखाता है 4 डिजिट में, देन मंथ दिखाता है, फिर डेट दिखाता है. तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी. अगला जो क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा इन माई एसक्यूएल. अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है मतलब कैर भी होगा, वेर कैर भी होगा, टेक्स्ट भी होगा. मेमो जो होता है इट इज नॉट ऑफर्ड बाई माई एसक्यूएल बिकॉज इट इज अवेलेबल इन एमएस एक्सेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन. अगला जो क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट विच टू कॉन्स्टेंट वेन अप्लाइड टूगेदर विल प्रोड्यूस ए प्राइमरी की कॉन्स्टेंट. फॉरेन की प्लस यूनिक की, नॉट नल प्लस फॉरेन की, नॉट नल प्लस यूनिक की, या प्राइमरी की कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. तो ये गलत है. फॉरेन की में तो ऑलरेडी डुप्लीकेट होता है तो ये भी नहीं लेंगे. बी ऑप्शन भी नहीं आएगा. बचा नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और यूनिक का मतलब प्राइमरी की. डुप्लीकेट डेटा इज नॉट अलाउड.
तो मतलब नॉट नल और यूनिक से मिलकर आपका प्राइमरी की कांस्टेंट बन जाता है. तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इट इज सेइंग दैट टू स्टोर मोबाइल नंबर इन अ टेबल विच डेटा टाइप शुड बी प्रेफर्ड. तो मोबाइल नंबर डालना है तो इंटीजर लेना चाहिए, कैर लेना चाहिए, वेर कैर या फ्लोट. देखिए नंबर तो मोबाइल के लिए लेते नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. और मोबाइल नंबर जो होता है वो फिक्स होता है 10 डिजिट का, इसलिए फिक्स लेंथ कैरेक्टर लेंगे, इसलिए इट शुड बी कैर एन. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हियर इट इज सेइंग दैट रीना वांट्स टू सी द फील्ड नेम्स एंड इट्स डेटा टाइप ऑफ टेबल डिपार्टमेंट. व्हाट कुड शी शुड राइट. नाउ सी इट इज सेइंग दैट कि उसे फील्ड नेम और उसका डेटा टाइप देखना है डिपार्टमेंट टेबल का रीना को. तो यहां पर वो एक्चुअली डेटाबेस के डिजाइन को देखने की बात कर रहा है ना कि डेटा को. तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब डिपार्टमेंट. तो डिस्क्राइब कमांड या इसे आप DESC भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी होगा आप करेक्ट करेंगे उसे. इसके द्वारा हम किसी भी टेबल के स्कीमा को या उसके डिजाइन को या स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इट इज सेइंग दैट जैकरन वांट टू रिमूव प्राइमरी की असाइन टू बुक ID फ्रॉम बुक टेबल, हेल्प हिम इन राइटिंग सुटेबल कोड. तो प्राइमरी की अगर आपको ड्रॉप करना है तो आपको ऑल्टर टेबल की मदद लेनी पड़ेगी. तो ये पहला तो हटा दो. और चूंकि ड्रॉप करना है तो हमको ऑल्टर टेबल के साथ ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और जब आप प्राइमरी की को ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ उसके फील्ड नेम को देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होता है. इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है ऑल्टर टेबल बुक ड्रॉप प्राइमरी की इज द करेक्ट वन. आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑपरेटर यूज्ड इन SQL टू सेट क्राइटेरिया. तो देखिए कंडीशन डालते हैं जब वेयर के साथ तो इन भी लगता है, लाइक भी लगता है, इज नॉट नल भी लगता है, लेकिन डबल इक्वल टू जो होता है ये प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं. SQL में हम केवल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं ऐसे. तो डबल इक्वल टू इज नॉट अलाउड इन SQL, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज कंटेनिंग AA एज द सब स्ट्रिंग इन द नेम. AA का मतलब हो गया कि वो कहीं भी हो सकता है, मतलब उसके पहले भी परसेंट होगा, बाद में भी परसेंट होगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रिया हैज फॉलोइंग कोड टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन टेबल सेल्समैन बट गेटिंग एरर, हेल्प हर इन राइटिंग एप्रोप्रिएट कोड. सेल्समैन टेबल में सुप्रिया ने डेटा इंसर्ट करने के लिए लिखा इंसर्ट EMP वैल्यूज, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज डाली. आप नोटिस करेंगे कि जब आप इंसर्ट लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा लिया जाता है इंसर्ट इनटू. तो उस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर D है इज द करेक्ट वन. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज 202, बाकी जो उसके अंदर भी डेटा है वो उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉईज व्हाट, DDL, DML, DCL और व्हाट नन ऑफ दीज. सेलेक्ट जो होता है इट इज पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नाउ दैट DDL स्टैंड्स फॉर, वी ऑल नो दैट इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DML वी ऑल नो इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटाबेस एंड इंसर्ट टपल्स इनटू, डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस. DDL या DML में से किसका प्रयोग हम करते हैं डाटा इंसर्ट करने के लिए या डाटा डिलीट करने के लिए या चेंज करने के लिए. जाहिर सी बात है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. तो ओवरऑल ये था आपके SQL के जो फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड MCQs. इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हम जाएंगे SQL में तो वहां पे हम फंक्शंस को देखेंगे एज पर योर सिलेबस. तो अब हम बात करेंगे MySQL फंक्शंस की, आइए इसे भी देखते हैं. ऑलराइट, सो MySQL फंक्शन में देन पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीपल रो फंक्शन. तो मल्टीपल रो फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि हम एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं उनको हम मल्टीपल रो फंक्शन के नाम से जानते हैं. तो एवरेज भी होता है, सम भी होता है, लेकिन ये जो SQRT है ये न्यूमेरिकल फंक्शन होता है या मैथमेटिकल फंक्शन होता है. इट्स नॉट दी पार्ट ऑफ दिस मल्टीपल रो, इट इज एक्चुअली व्हाट सिंगल रो फंक्शन. सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर बोथ A and B. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेलेक्ट अपर देन सब स्ट्रिंग दैट इज सब STR कंप्यूटर सिस्टम (3, 6) व्हाट वुड बी द रिजल्ट. वेल सब STR जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन, मतलब किस पोजीशन से लेकर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, रिट्रीव करने हैं, उसे निकालता है. सो सब STR थर्ड पोजीशन मतलब M हो गया. देखिए स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी इसमें. ऐसा नहीं है कि जैसे पाइथन में लिस्ट आप यूज करते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से होती है, SQL में काउंटिंग आप 1 से शुरू करेंगे. नाउ थर्ड पोजीशन में M है, सिक्स्थ कैरेक्टर मतलब
MPUTER, ये पूरे 6 कैरेक्टर्स होंगे। ये एक्सेप्ट करेगा सब एसटीआर और उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा दिस अपर, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज सेइंग दैट सब एसटीआर, अब यहां पर इसने एक नंबर डाला हुआ है रियल नंबर को 56434.7812 कॉमा लगा के 4.5, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो अभी हमने सब एसटीआर देखा, अब यहां पे ये नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। फोर्थ पोजीशन पे आप जाएंगे तो दिस विल बी योर 3 और टोटल 5 कैरेक्टर मतलब 1, 2 डेसिमल को काउंट करेगा 3, 7, 4, 8 हो गया 5, तो दिस विल बी 34.78, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट मंथ। तो नेम ऑफ करंट मंथ मतलब कर डेट, हमारा जो मेथड है उसका मंथ नेम हमको निकालना है, तो मंथ नेम इज द फंक्शन जिसके द्वारा मंथ नेम निकलता है, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन सेलेक्ट क्वेरी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज जो वेयर क्लॉज होता है इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट प्री फिल्टर एंड हैविंग इज कंसीडर्ड एज व्हाट पोस्ट फिल्टर, जो ग्रुप बाय के साथ एसोसिएटेड होता है, तो जो इसका ऑर्डर होता है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे सेलेक्ट होता है। आप फ्रॉम लेते हैं, फ्रॉम के बाद आप पहले फिल्टर करते हैं वेयर, उसके बाद आप ग्रुप बाय लेते हैं और ग्रुप बाय के बाद में फिर आप क्या लेते हैं हैविंग क्लॉज लेते हैं, और इनको आपस में इंटरचेंज आप नहीं कर सकते, सो आंसर इज व्हाट एब्सोल्युटली नॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ इज व्हाट, वी ऑल नो इट इज अ टेक्स्ट फंक्शन। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्ट्रिंग टेक्स्ट इट नाउ राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, सो देयर इज अ मेथड नोन एज व्हाट लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट साइड के फर्स्ट 5 कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, सो सेलेक्ट लेफ्ट टेक्स्ट इट नाउ (5) इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बट सब एसटीआर जो है वो भी एक्सट्रैक्ट करता है हमारे सब स्ट्रिंग को गिवन स्ट्रिंग से, तो हमने यहां पे मेंशन कर दी कि पहले कैरेक्टर से लेकर आने वाले नेक्स्ट 5 कैरेक्टर को डिस्प्ले करो, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है सेलेक्ट सब एसटीआर टेक्स्ट इट नाउ (1, 5) ये भी इसके लिए करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इट इज आस्किंग दैट राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द गिवन टेबल एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मतलब आप लोग हैं यहाँ पे काउंट मेथड को, आपको डिपार्टमेंट निकालने हैं टोटल जो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैक ऑफिस 2 बार है, तो डिपार्टमेंट एक्चुअली कितने होंगे 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लगाओगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड को और इसके अंदर आप डिपार्टमेंट को पास कर दोगे, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट, और बाकी तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय इज द करेक्ट वन, हालांकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट के बाद में हो सकता है ये ब्रैकेट भी यहाँ पे आना चाहिए, तो ये टाइपो एरर है, यू कैन करेक्ट इट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट सुरेंद्र हैव बीन आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज बाय हिज टीचर, तो उसने इसके लिए 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला ये बोलता है कि बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन कॉन्टेन एग्रीगेट फंक्शंस, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हैविंग में एग्रीगेट हो सकता है, वेयर में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होते हैं, सो इट इज फॉल्स। एंड द सेकंड इज सेइंग वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज बट हैविंग कैन नॉट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वेयर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कंडीशंस के लिए रहता है, लेकिन हैविंग क्लॉज जो होता है वो फर्दर ग्रुप बाय के द्वारा जो रिकॉर्ड या समरी जनरेट होती है उनको फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सो दिस इज अगेन करेक्ट, सो द आंसर इज फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट कंसीडर फॉलोइंग टेबल आइटम एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में लेंथ देन टाइटल फ्रॉम आइटम वेयर ऑथर इक्वल टू दीक्षित ग्रुप बाय ऑथर। सो पहला तो ये हमारा टेबल है, हम यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर का क्राइटेरिया देखते हैं, ऑथर जो है वो दीक्षित होना चाहिए, तो ये मेरा दीक्षित है, ये दीक्षित है और ये 3 दीक्षित हैं, और ग्रुप बाई होगा ऑथर के हिसाब से, मतलब ये इसी के दीक्षित के हिसाब से ग्रुपिंग होगी, ऑलरेडी फिल्टर हो गया। हमें लेंथ निकालना है टाइटल का, तो इसका जो लेंथ है दैट इज 4, 5, 3, 8, 11 एंड 14, देन सेकेंड दीक्षित है इसका जो लेंथ है 13 एंड द लास्ट जो है दैट इज 20, तो जब आप इनका ओवरऑल सम करेंगे दिस इज कमिंग यू नो 47, सो द करेक्ट आंसर इज 47, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन स्ट्रिंग टेक्स्ट इट नाउ संजय वांट टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ पी, व्हाट कोड ही शुड राइट टू गेट दिस। नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सब एसटीआर के बारे में,
sorry, it is SUBSTR. Similarly, there is a function called INSTR, ये text function होता है, जो कि किसी भी दिए हुए string के अंदर किसी particular sub string या character की पहली occurrence को display करता है. तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे select INSTR, text it now, comma p. तो ये क्या करेगा, इसकी जो पहली occurrence होगी means 7 को ये return कर देगा. तो option C is correct. अगला हमारा question है that चुन्नू has created following table, ये loan table बनाया इसने. Now he wants to calculate average interest rate, इसका average निकालना है, but वो auto type के लिए होना चाहिए, मतलब ये जो auto है इनका average उसको निकालना है, तो कौन सा code वो लिखेगा इसको. तो भाई select average interest from loan where loan type equal to auto, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आप कर दोगे. देखिए आपने auto filter कर लिया, ये दो मिल गए, अब इसका जब वो average निकालेगा तो दोनों को जोड़ के उसका average निकाल देगा, तो ये correct है. अच्छा दूसरी बात, ये तो गलत है क्योंकि हम loan type in auto ऐसा तो लिखते नहीं. Now the second is saying select average interest from loan where loan type in auto. So हम जानते हैं कि multiple text के लिए in का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप equal to लगाइए, in लगाए, दोनों काम करेगा. अच्छा तीसरे में यहाँ पे इसने group by डाल दिया loan type, तो grouping करेंगे तो obviously auto की grouping होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है. तो या तो आप बिना group के भी ले सकते हो या group को भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे filter हो रहा है data. इसका मतलब all of the above, ये तीनों ही query यहाँ पे इस question के लिए सही है. Now the next question is saying which of the following is not a single row. तो mod numerical function है, alternate text function है, ERB date function है, ये तीनों single row है. Max जो है वो aggregate function है, which is actually called multiple row function. So the correct option is your option number D for this question. Move to the next question. It is saying that predict the output of select round 33792.845, -3. Well, जब आप नेगेटिव नंबर को प्लेस करते हैं राउंडिंग के लिए, तो ये बेसिकली 10 प्लेस का इंडिकेशन होता है. अगर ये माइनस वन होता तो इसको हम बोलते 10, माइनस टू का मतलब हो गया 100 और माइनस थ्री का मतलब हो गया 1000. तो उस लिहाज से नियरेस्ट 1000, तो 792 33000 को अगर आप देखो तो ये 33500 से ज्यादा है, मतलब नियरेस्ट जो इसका 1000 होगा वो 34000 होगा, तो ये राउंड कर देगा इसको 34000 से. सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर 34000 फॉर दिस क्वेश्चन. अगला जो क्वेश्चन है, राहुल हैज क्रिएटेड अ टेबल बुक विद फॉलोइंग कॉलम्स, ये टेबल बनाया है बुक नाम से, उसमें ये चार फील्ड्स हैं. अब उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है लोवेस्ट प्राइस ऑफ बुक पब्लिकेशन वाइज, राइट, मतलब पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस बुक्स की आपको निकालनी है. उसके लिए उसने लिखा सेलेक्ट पब्लिकेशन कॉमा मिनिमम प्राइस फ्रॉम बुक, बट उसको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि ग्रुप बाय यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगाएगा सेलेक्ट पब्लिकेशन मिनिमम प्राइस फ्रॉम बुक ग्रुप बाय पब्लिकेशन, और उसका ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग टेबल हॉस्पिटल, ये अगेन ये हमारे पास टेबल है. क्वेश्चन इज सेइंग सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द मेल कैंडिडेट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो नेम और डिपार्टमेंट दोनों दिखाना है, तो नेम और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, हॉस्पिटल टेबल से आएगा. जहां पर ये बोल रहा है कि जेंडर जो होगा वो मेल होगा, तो वेयर जेंडर इज मेल लिखा है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एम होना चाहिए, और ऑर्डर बाई होगा असेंडिंग ऑर्डर किसके, डेट ऑफ एडमिशन, सो ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन. तो अब अगर आप देखें ऑप्शन बी, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर जेंडर इक्वल टू एम एंड ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर इसने एंड को डाल दिया है, जो कि वेयर और ऑर्डर बाई में हम प्लेस नहीं करते. ऑर्डर बाई इंडिविजुअल क्लॉज है जो डायरेक्ट आएगा. तो अब अगर आप ऑप्शन सी को ध्यान दें, नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर जेंडर इक्वल टू एम ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन, तो ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग जामवंत इंटेंड टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन सम कॉलम्स वैल्यू, ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड दैट द ग्रुप्ड रिजल्ट शुड अपियर इन सॉर्टेड ऑर्डर, इन विच ऑर्डर शुड द जामवंत राइट द टू क्लॉजेस. मतलब आपको ग्रुपिंग भी करना है और सॉर्टिंग भी करना है, तो पहले ग्रुपिंग होगी फिर सॉर्टिंग होगी. इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें यहां पे सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाय ग्रुप बाय, ये गलत है, सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय ऑर्डर बाय बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी ही सिर्फ इसमें करेक्ट होगा, बाकी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. हियर इट इज सेइंग प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस,
लेंथ आर्ट्रिम ब्रैकेट में टेक टिप नाउ, जिसके सामने तीन स्पेस है, बाद में तीन स्पेस है. वी ऑल नो दैट की देर इज ए मेथड कॉल्ड ट्रिम. ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड स्पेसेस होते हैं गिवन स्ट्रिंग में उसको रिमूव करता है. अगर ये ट्रिम होता तो ये दोनों तरफ के स्पेस को रिमूव करता, लेकिन यहाँ पे आर्ट्री में मतलब राइट साइड से ट्रिम करो, मतलब ये इस तरफ के स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. तो इसका मतलब अब जो टोटल लेंथ इसकी बचेगी, तीन स्पेस, चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो आंसर आएगा 13. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले करंट डेट. नाउ को ले सकते हो, डेट फंक्शन जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये गिवन डेट के पार्ट को एक्सेप्ट करता है. कर डेट जो है वो करंट डेट को डिस्प्ले कर सकता है. सो ऑप्शन बी विच इज बोथ ए एंड सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज सेइंग नेम द फंक्शन टू रिमूव अननेसेसरली लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस. तो अभी हमने बात किया कि लीडिंग के लिए एल्ट्रिम, ट्रेलिंग के लिए आर्ट्रिम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट एंड क्रेडिट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी. सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा काउंट मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट. वेल यहाँ पे दो काउंट मेथड है, एक में स्टार डाला है और एक में फील्ड नेम डाला हुआ है. नाउ वी ऑल नो दैट जब आप काउंट स्टार करते हैं तो ये सारे ही टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस काउंट स्टार को कि किसी पर्टिकुलर रो में नल है या नहीं है, उन सबको वो इंक्लूड करता है. एक्चुअली काउंट स्टार का मतलब ये होता है कि सारे ही फील्ड्स को ये पहले सेलेक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग के जितने भी रोज होते हैं उनको काउंट करता है. उस लिहाज से इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज आएंगे दैट विल बी 6. लेकिन जब आप काउंट मार्क की बात करें, चूंकि यहाँ पर आपने केवल एक ही फील्ड को सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ इस फील्ड के ही डेटा को क्या करेगा, काउंट करेगा, और यहां पर वो नल वैल्यू को क्या करेगा, काउंटिंग में शामिल नहीं करेगा. ऐसी सिचुएशन में जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन टेबल स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द आउटपुट ऑफ व्हाट. आई मीन ये जो स्टूडेंट टेबल है इसी के बेस पे वी हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ यू नो द सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू साइंस. सो देयर आर थ्री साइंस, और इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट मार्क है दैट इज योर 88, जो लोवेस्ट है दैट इज योर 58, दोनों को आप टोटल करेंगे सो दिस विल बी 146. सो यहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी 146. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखिए अगर किसी क्वेश्चन में टाइपो मिस्टेक आपको दिख रही है सो आप प्लीज मुझे उसके लिए कमेंट भी कर सकते. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट आर्यन अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज. Now he needs to further filter group of record generated through group by clause. Suggest suitable clause for it. In the sense, आप जब grouping करते हैं तो group by clause का इस्तेमाल करते हैं. Group by clause का इस्तेमाल करने के बाद में जो summary generate होती है उसे further filter करने के लिए हमने पहले भी देखा, we use this having clause. So इसका मतलब इसका जो correct answer होगा, this will be your having. Now the next question is saying predict the output of this. So mod then bracket में round then 13.9,0,3. So ये अभी टर्म टू का क्वेश्चन पेपर में आया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है. सो सबसे पहले आप राउंड करिए, तो 13.9 को राउंड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, फिर 14,3 का आप मॉड करेंगे तो 3, 4 जा 12, रिमेनिंग 2, तो आंसर वुड बी योर 2. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देखिए दो टेबल्स हैं, एक है आपका प्रोडक्ट और दूसरा जो टेबल है दैट इज योर कस्टमर. अब इसकी बेसिस पे ये बोलता है कि आपको एक क्वेरी लेनी है जिसमें आपको कस्टमर का नाम डिस्प्ले करना है विथ उसके प्रोडक्ट का नाम. तो इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, और जो कस्टमर है वो दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए. तो देखिए इन दोनों टेबल में आप ध्यान से देखें कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये दोनों में कॉमन है. यहां पर ये प्राइमरी की है और चूंकि इससे हमने इस टेबल को रिलेट किया तो यहां पर ये फॉरेन की हो गया. फॉरेन की क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स प्रोडक्ट टेबल में, जिसका रेफरेंस हम कस्टमर टेबल में ले रहे हैं. बेस्ड ऑन दिस हमें यहां पर यू नो इक्वालिटी या इक्वी ज्वाइन शो करना होगा, और अब जब हम क्वेरी लिखेंगे तो दोनों ही टेबल का नाम मेंशन करना होगा. सबसे पहले तो हमें कस्टमर नेम डिस्प्ले करना है तो हम कस्टमर नेम ले लेंगे, प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है तो प्रोडक्ट नेम लेंगे, दोनों ही टेबल का नाम लेंगे कस्टमर और प्रोडक्ट का. चूंकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है और इट इज इक्वल टू दिस फॉरेन की ऑफ कस्टमर टेबल, तो हमने यहां पर ये रिलेशन को डिस्प्ले कर दिया. एंड इसके बाद में ये बोलता है कि जो सिटी है इट शुड बी दिल्ली, तो सिटी इक्वल टू व्हाट, दिल्ली. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी. व्हाई आई एम सेइंग टेलिंग सो, बिकॉज हम कभी भी हैविंग तो लगाते नहीं है,
वेयर के बाद में। लेकिन जो अगला ऑप्शन है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम लिया कस्टमर से और प्रोडक्ट से, लेकिन हमने इसका यहाँ पे अलियास नेम भी दे दिया है सी और पी, और पी के प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू सी के प्रोडक्ट आईडी का हमने इक्वी ज्वाइन यहाँ पे मेंशन किया और उसके बाद एंड लगा के सिटी इक्वल टू दिल्ली डाला। तो ये दोनों ही सही तरीके हैं, आप जो भी कन्वीनियंट लगता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो बोथ बी एंड सी होगा। इस क्वेश्चन को देने का पर्पज ये है कि आप क्लियर रहें कि अलियास नेम यूज करके भी आप ज्वाइन शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेबल नेम को ही लिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अगेन हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉई टेबल है और दूसरा हमारे पास जॉब टेबल है। अब यहां पर ये बोल रहा है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉई, दैट इज दिस एम्प्लॉई नेम हुज सैलरी इज व्हाट लोवेस्ट। सैलरी कहां है हमारा, यहां पर है। तो इसका मतलब ये दोनों टेबल अगर आप देखें जॉब आईडी की बेसिस पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जॉब टेबल में दिस इज योर जॉब टेबल, यहां पर ये प्राइमरी की है और यहां पर ये फॉरेन की। तो जो ज्वाइन आप प्रेजेंट करेंगे इट शुड बी जॉब का जॉब आईडी इक्वल टू एम्प्लॉई का जॉब आईडी, और उस बेसिस पे अब आप लेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम। चूंकि हमें मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करनी है इसलिए हम मिन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और सैलरी को उसके अंदर डालेंगे, दोनों ही टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉई और जॉब, जहां पे हम बोलेंगे वेयर जॉब डॉट जॉब आईडी इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट जॉब आईडी। तो ये बिल्कुल सही है क्वेरी। अगले ऑप्शंस को देखें, सेलेक्ट ई नेम कॉमा मिन सेल फ्रॉम एम्प्लॉई जॉब, तो ये वर्क नहीं करेगा। सेलेक्ट ई नेम मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई जॉब हैविंग अगेन इज रॉन्ग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट श्रीकांत क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट इन हिज डेटाबेस। अगेन ये टर्म टू सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट टेबल है। नाउ ही वॉन्ट्स टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन थ्री, और उसके लिए उसने क्वेरी लिखी सेलेक्ट मैक्स मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन थ्री ग्रुप बाई क्लास। तो इसमें गलती क्या है कि हमने जो वेयर क्लॉज लगाया उसमें हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट यहां तक तो बिल्कुल सही है, उसके बाद हम बोलेंगे ग्रुप बाई क्लास, एंड उसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हैविंग का, और हैविंग में हम बोलेंगे काउंट स्टार इज ग्रेटर देन थ्री। तो इस बेसिस पे अगर आप देखें, हालांकि इसमें एक पॉइंट और है कि चूंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है इसलिए हम यहाँ पे मैक्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे काउंट मेथड। सो बेस्ड ऑन दिस इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन सी सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन थ्री इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। Move to the next question now. Here it is asking that write SQL command to display book details of those books purchased on Monday for given table book. Now ये book table है, इसमें हमको book detail उन books की show करनी है जो Monday को purchase की गई है। मतलब ये जो date of purchase है इसका हमें day name find out करना पड़ेगा, और वो अगर Monday के equal होगा तो उससे related data display होना चाहिए। So day name हमने देखिए यहां पे लिया हुआ है, day name date of purchase दोनों में लिया हुआ है, लेकिन लाइक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। वी विल टेक दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर डे नेम डेट ऑफ परचेज इक्वल टू मंडे, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेलेक्ट अपर मिड टेक टिप नाउ कंप्यूटर्स कॉमा 10। तो मिड का मतलब सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर, 10th पोजीशन से कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना शुरू करो। चूंकि इसमें कॉमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन नहीं है तो अंत तक वो सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा। तो 10 मतलब ये हुआ W से ये स्टार्ट करेगा और N तक पूरा जाएगा, तो आंसर जो होगा W स्पेस कंप्यूटर्स होगा। आई गेस इसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, तो आप इसे प्लीज आंसर को ध्यान रखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक टाइप ऑफ ज्वाइन होता है जो मल्टी टेबल क्वेरीज या दो टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करने का काम करता है। बेस्ड ऑन दैट फैक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट इट इज एन ऑपरेशन दैट कंबाइन टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव द सेम वैल्यू और नॉट। द सेकंड इज सेइंग द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ बोथ द रिलेशन अंडर कंस्ट्रक्शन एंड द कार्डिनैलिटी ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। वेल इसमें जो पहला ऑप्शन है कि ये एक ऑपरेशन है जो दो टेबल्स के टपल्स या रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है चाहे उसमें सेम वैल्यू हो या ना हो, ये बिल्कुल सही है। जहां तक डिग्री की बात है मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करें तो ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता है, दो टेबल्स के दोनों डिग्री का सम जो होता है वो टोटल डिग्री होती है,
और कार्डिनैलिटी जो होता है इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट, मतलब एक टेबल में पांच रिकॉर्ड है दूसरे टेबल में पांच रिकॉर्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कार्टिजन प्रोडक्ट में जनरेट होंगे वो 25 होंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप डिग्री की बात करें कि एक टेबल में तीन कॉलम्स है और एक टेबल में चार कॉलम है, तो ये दोनों ऐड होके 7 कॉलम्स आ जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए ओनली इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जॉइंट टाइप। फर्स्ट इज इक्वी, बिल्कुल सही है। नॉन इक्वी, ये बिल्कुल नहीं होता है, नेचुरल होता है, इनर भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन इक्वी जॉइन के नाम से कोई भी। तो ये तो ओवरऑल क्वेश्चंस थे हमारे यू नो एसक्यूएल के, माई एसक्यूएल फंक्शंस पे बेस्ड एंड जॉइंस पे बेस्ड। आगे अब बढ़ते हैं और हम अपने फाइनल चैप्टर या टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट योर कंप्यूटर नेटवर्क। सो लेट स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज सेइंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस अर्पानेट। We all know that it is Advanced Research Project Agency Network. So we can say option B is correct. Let's move to the next. Which of the following is not a topology? We all know that star is there, mesh is there, tree is there. Hierarchy ke naam se koi bhi topology nahi hoti. So correct answer is D. Next question is saying, identify the type of networking given diagram. Ye aapka personal laptop hai, jisse aapne fir se ek laptop ko connect kiya, printer ko connect kiya, mobile aur wireless earphone aur ya headphone ko aur mouse ko connect kiya. To ye kahin na kahin ek personal area network ko represent karta hai. Agla hamara question hai, identify the correct topology which has following characteristics. Pehla to ye, ki it's very easy to diagnose the fault in this topology. Kaafi asaan hai, koi problem aa jaati is topology mein khojna. और अगर फेलियर ऑफ सेंट्रल हब या स्विच लीड्स टू फेलियर ऑफ द इंटायर नेटवर्क, मतलब अगर बीच में जो हब है अगर वो फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, मतलब बीच में हब आ गया, मतलब ये स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है, तो इट शुड बी ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। मूव टू द नेक्स्ट वन, मैन स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो वी ऑल नो इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ईच आईपी पैकेट कंसीडर व्हाट। आईपी वी ऑल नो इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो इट कंटेन्स बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। Move to the next one. Select the correct sequence of regarding evolution of computer network. सबसे पहले ARPANET आया, फिर ईमेल आया, फिर NSFNET आया, then WWW आया। या पहले ARPANET आया, फिर NSFNET आया, then ईमेल आया, then WWW। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि WWW पहले नहीं आया, सबसे पहले तो ARPANET ही आया। Now the question is, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि पहले ईमेल हुआ फिर NSFNET हुआ, या पहले NSFNET हुआ फिर ईमेल हुआ। सो ध्यान रखेंगे कि पहले ईमेल आया उसके बाद में ये नेशनल साइंस फाउंडेशन का नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ था। सो इवोल्यूशन अगर आप देखें तो ARPANET, ईमेल, NSFNET, देन WWW। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 802.11 रिप्रेजेंट व्हाट। सो इट्स ऑल अबाउट योर वाईफाई। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री है, सो इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। The device that regenerates a signal being transmitted, तो signal को enhance करना, बढ़ाना, regenerate करना repeater का काम होता है। Next is saying I am known as intelligent hub, तो intelligent hub का मतलब हम switch की बात करते हैं जिसके पास ability होती है कि वो data को किस particular node तक पहुंचाना है वो कर सकता है। Hub का क्या होता है कि उसमें जो भी data। Next is ये diagram में जो आप टोपोलॉजी देख रहे हैं ये क्या है, सो इट्स सिंपली व्हाट योर, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल केबल है जिससे सारे ही नोड्स कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग योर स्कूल इज प्लानिंग टू लिंक इन फ्रंट ऑफिस सिचुएटेड इन हिली रीजन, जहां पे केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, द ब्लूटूथ, FM, सैटेलाइट या नन ऑफ दीज। सो वी विल गो फॉर दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मूव टू द नेक्स्ट वन, रिफर टू दिस गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्ट एज ए सर्वर। तो आप देखें यहां पर ये जो सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस है सी, उससे ये सारे ही डेटा रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, सो हम कह सकते हैं सी इज द डिवाइस एक्ट्स एज ए सर्वर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टार टोपोलॉजी। पहला तो ये कि ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल में एक नोड होता है या हब होता है, स्विच होता है, जिससे बाकी सब कनेक्टेड होते हैं। बैकबोन या सिंगल केबल जो होती है वो हमारे बस टोपोलॉजी में होती है, तो इट इज नॉट ट्रू। बाकी एडिंग नोड इट इज इजी, तो ये बिल्कुल सही है स्टार में। दूसरा, बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में ये महंगी होती है, ये भी सही है। और डेटा कॉलिजन का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है स्टार टोपोलॉजी में। सो इन द सेंस ऑप्शन ए जो हमने देखा कि सिंगल केबल से सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। मूव टू द नेक्स्ट वन,
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैज ए कंप्यूटर नेटवर्क, द नेटवर्क इज इन वन बिल्डिंग, तो किस टाइप का नेटवर्क है? सो वी कैन से सिंपली इट इज लोकल एरिया नेटवर्क. जब दो मोबाइल्स को आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करते हैं पिक्चर ट्रांसफर करने के लिए, तो किस टाइप का नेटवर्क बनता है? वी कैन से इट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. मूव टू द नेक्स्ट वन, द डैश इज कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर्स. तो कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेस प्रोवाइड करते? वी ऑल नो इज कॉल्ड सर्वर. द नेक्स्ट इज सेइंग द डैश टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, सो वी ऑल नो इट इज व्हाट योर ट्री टोपोलॉजी. मूव टू द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच कैन कनेक्ट दिस सिमिलर नेटवर्क. तो देखिए, रूटर और गेटवे दोनों अलग अलग तरह के नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, बट ज्यादातर लोगों का मानना है कि गेटवे, बट रूटर भी कर सकता है. अगला क्वेश्चन है, इन मैक एड्रेस मैक स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो इट इज ऑल अबाउट मीडिया एक्सेस कंट्रोल. नाउ जो मैक एड्रेस होता है ये इट इज मेड अप ऑफ कितने डिजिट? सो इट इज ऑलवेज ऑफ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिफाई ईच नोड यूनिकली इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डैश एड्रेस इज असाइंड. तो जब आपको किसी भी नोड को कंप्यूटर नेटवर्क में यू नो आइडेंटिफाई करना रहता है, तो उसके लिए उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग IPv4 वर्जन 4 इज व्हाट? इट इज बेसिकली वर्जन ऑफ व्हाट? आईपी एड्रेस, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग IPv4 कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? 16 बिट न्यूमेरिक एड्रेस, 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस, 64 बिट न्यूमेरिक एड्रेस और 128 बिट न्यूमेरिक एड्रेस. तो इट इज ऑलवेज योर 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस. नाउ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस इज IPv6, जिसमें 128 बिट न्यूमेरिक एड्रेसेस होते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट मैक एड्रेस वंस असाइन टू द नेटवर्क एडेप्टर कैन नॉट बी चेंज्ड. मतलब आपने किसी नेटवर्क एडेप्टर में एक बार मैक एड्रेस दे दिया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है. एंड आईपी एड्रेस असाइन टू द नोड इन द नेटवर्क कैन बी चेंज्ड कंडीशनली, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आपका कोई नोड है वो किसी दूसरे नेटवर्क में जुड़ जाए तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है. तो मतलब यहां पर ये बोथ आर ट्रू इज द करेक्ट आंसर. तो ये थे ओवरऑल आज के मेरे इस वीडियो के सारे MCQs जो मैंने प्रिपेयर किए थे सेक्शन ए के लिए, एंड इट इज फॉर बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिव्स प्रैक्टिसेस. तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली ये सेशन आपको हेल्प करेगा सेक्शन ए से रिलेटेड सारी चीजों को समझने के लिए. इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल.